नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं दानिश जावेद एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए आपका हर दिल अजीज़ प्रोग्राम हालात लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम हालात में उन तमाम मसाइल को, उन तमाम मौजूआत को लेते हैं, उन तमाम टॉपिक्स को लेते हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनका ताल्लुक हालात से है, लाइक क्राइम, लाइक वुमेन सेफ्टी और इसी तरह से हर वो टॉपिक, हर वो मौजू जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, उन तमाम बातों से जुड़ा हुआ है जिनका ताल्लुक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे समाज से है। इसलिए आज हमारा टॉपिक है क्राइम। क्राइम पर आज हम बात करेंगे मोहम्मद अफजल साहब से। कंज्यूमर ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एक्टिविस्ट हैं पिछले 35 सालों से। आइए हम उनका इस्तकबाल करें। मोहम्मद अफजल साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं जयवंत हरागुड़े जी, रिटायर्ड एससीपी हैं मुंबई क्राइम ब्रांच के। आइए उनका इस्तकबाल करें। हरागुड़े जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं आपके हर दिल अजीज़ जैद खालिद पटेल साहब, मशहूर इस्लामिक स्पीकर। जैद भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आइए हम अपनी बात शुरू करते हैं हरागुड़े साहब से। हरागुड़े साहब, आपका ताल्लुक क्राइम ब्रांच से है और आपका शौक़ है क्राइम डिटेक्शन। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्राइम है क्या, और हमारे आज के सिविलाइज समाज में जहाँ पर हम तरक्की की इंतहा को छू रहे हैं, आईटी के रिवोल्यूशन का दौर है, जहाँ हर इंसान अपने मुस्तकबिल, अपने करियर की तरफ भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसे कैसे इतनी फुर्सत मिल जाती है कि वो क्राइम के बारे में सोचे या क्राइम कमिट करे। तो ये क्राइम है क्या और ये आज के सिविलाइज समाज में क्यों और कैसे पनपता है? क्राइम ये जो सब्जेक्ट है, ये कोई नया कुछ तो चीज़ है नहीं। ह्यूमन हिस्ट्री के साथ साथ ये क्राइम जुड़ा हुआ है। जहाँ इंसान पैदा हो गया उसके साथ साथ भी क्राइम आ गया है। ये पुराना मसला है, ये कोई आज क्राइम है और कल नहीं था ऐसा बात नहीं है। पूरी हिस्ट्री जो है, इतिहास जो बता रहा है, वो तभी से क्राइम चलते आ रहा है। तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन जहाँ समाज है, इंसान है, वहाँ क्राइम है। और ये हालांकि हम लोग दूसरी भाषा में ये बताएंगे कि ये क्राइम आदमी के साथ जैसी बीमारी आती है, उसके साथ साथ ये क्राइम भी आ गया है। तो क्राइम ये कोई नया चीज़ सोसाइटी में नहीं है, इंसान के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसका इलाज, जैसा बीमारी का इलाज अपन करते हैं, वैसा ये क्राइम का इलाज भी अपन कर सकते हैं। रागुड़ा साहब, हम इलाज पे आते हैं, उससे पहले हम महमूद अफजल साहब का व्यू लेंगे। महमूद साहब, रागुड़ा साहब ने हमको बताया कि जहाँ समाज है वहाँ क्राइम है। आप समाज से जुड़ के काम करते हैं, समाज की समस्याओं के लिए काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे इस समाज में ये क्राइम के तरफ लोगों की रगबत होती क्यों है, लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं, और हमारे समाज का कौन सा क्लास ज़्यादा क्राइम की तरफ रखता है, एक बात, और दूसरी बात ये कि क्यों रखता है, वो कौन से कारण, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको क्राइम की तरफ लेके जाती हैं? देखिए, आज का जो दौर है, जितने भी नौजवान हैं, एक तो बेरोज़गारी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, दूसरी चीज़ इलिटरेसी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और लोगों को इजी मनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो तीन बातें हैं, ये एक मेजर फैक्टर है जो क्राइम को पनपने देती है। बेरोज़गारी, इजी मनी। अजैद भाई, हम सुनते और पढ़ते आए हैं कि दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, उनके दो बेटे हाबील और काबील, दोनों में झगड़ा हुआ, एक भाई ने दूसरे भाई को किसी वजह, किसी सबब, किसी कारण से मार डाला। तो क्या हम ये मान लें कि कायनात की इब्तदा से, इंसानियत की इब्तदा से क्राइम की भी इब्तदा हो गई और पहले इंसान की औलादों ने सबसे पहला क्राइम कमिट किया? एक क्राइम के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम और कुरान का क्या व्यू है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिही वसहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। मैं जयवंत साहब की कही हुई बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इंसानी हिस्ट्री में क्राइम उतना ही पुराना है जितना कि इंसान की हिस्ट्री है। और हम ये देखते हैं कि क्राइम पुराना होने की वजह से क्राइम की फितरत जो होती है, जो उसके अंदर जो नेचर होता है, वो भले ही ज़माने बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलते हैं, क्राइम करने के अंदाज़ भी बदल जाते हैं, लेकिन उसकी मेन साइकोलॉजी जो होती है वो सेम रहती है। और ये इंसानी हिस्ट्री जितनी पुरानी बात है, और इस्लाम ने तो यही नज़रिया सिखाया है, सही बुखारी की हदीस है कि अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जुल्म कर रहा है या चाहे उस पर जुल्म हो रहा है।
اور اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کمپینینز نے پوچھا کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو، اسے روک کر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ کوئی کرائم کر رہا ہے اسے بھی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس کی مدد یہ ہوگی کہ اسے روکا جائے، اور وہ اس کی مدد ہے ان ریالٹی، کیونکہ ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. دنیا اور آخرت میں اسے کانسیکوئنس بھگتنا پڑے گا، دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں. جو کرائم وہ کر رہا ہے وہ کر کے بچ کے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ اوپر والے کی پکڑ تو ہر کسی پر ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہونے کی وجہ سے وہ انسان کی مدد کرنا ہے، اور مدد کرنے میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ہم یہ اگر انالائز کریں، آج اس چیز کی سیویئرٹی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آپ امیجن کریے کہ لوک سبھا میں منموہن سنگھ جی نے پچھلے جو لوک سبھا کے اندر بگننگ میں کہا تھا کہ انڈیا میں آج کورٹس میں تقریباً 30 ملین کیسز، یعنی 3 کروڑ کیسز پینڈنگ ہیں، جس میں سے صرف ہائی کورٹس میں اگر دکھایا ہے تو 40 لاکھ پینڈنگ ہیں. تو جب یہ سیناریو ہے، اور یہ چیز بھی رپورٹڈ کیسز ہے، کتنے سارے کیسز انرپورٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ سب کے تعلق سے ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ آخر میں ایسا ہو کیوں رہا ہے، واٹ از دا ریزن، اور کیور کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے بچنے کا ان سارے انسانوں کے لیے، وداؤٹ اینی ڈفرینشیشن آف ریلیجن، ہر ریلیجن اور بیک گراؤنڈ کے لیے. اچھا، یہاں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ہرا گڑے صاحب آپ سے. ابھی زید خالد صاحب نے بتایا، بہت اچھی بات کہی، کہ مظلوم اور ظالم دونوں کی مدد کی جائے، اور دونوں کی مدد اس طرح ممکن ہے کہ مظلوم کی مدد اسے ظلم سے بچایا جائے، اور ظالم کی مدد اسے ظلم کرنے سے روکا جائے. اس معاملے میں یا اس بات کو لے کے پولیس کا ویو کیا ہے؟ کیا پولیس ظالموں کی مدد کرتی ہے یا انہیں صرف سزائے دیتی ہے؟ دیکھیے، قانون میں جو پروویژن آ گئی ہے، پولیس ہے اور قانون، ہم ایک ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ قانون کا پرتینیدھتو پولیس کر رہی ہے، جو عمل کرنا ہے وہ پولیس کا کام ہے. ابھی یہاں جو قانون بنے ہیں، جو ابھی ایک ریٹن فارم میں بنے ہیں، کوئی ایک رول ریگولیشنز ہے جو تھوڑے ریلیجن سے پرے ہے، ریلیجن جو کوئی بھی مذہب ہو. ریلیجن بھول جائیے، ایک اچھی بات کہی گئی، ریلیجن بھول جائیے، ایک اچھی سی بات کہی کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کی جائے. مظلوم کی مدد اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس پہ ظلم نہ کیا جائے، یہ ہم میک شیور کریں، اور ظالم کی مدد اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں. ان اینی کیس ہمارا سماج کرائم فری ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں اگر نہ ہوں تو کیا پولیس کے لیے یہ گرو منتر نہیں ہو سکتا؟ ریلیجن چھوڑ دیجیے، میں وہی بات پہ آنے والا تھا، مجھے جو کہنا ہے وہی بات. جی جی، پلیز پلیز. یہاں دونوں کو مدد ہوتی ہے. کرائم میں کیا ہے کہ وہ کرائم کرنے والا تو سزا دینا ہے اس کو، بھلے وہ قانون ہو یا پہلے جو ریلیجن کے طور پہ قانون چلتا تھا اس میں سزائے تھی، لیکن اس کو پریونٹ کرے، جو کوئی بچا ہے اس کو، قانون کا غیر استعمال کرنے والا کو اس سے روکا جائے. یہ پروویژن جیسے دھرم میں ہے، الگ الگ دھرم میں، ویسا قانون میں بھی کیا ہے. دیکھو، پریونٹیو ایکشن ہمارے یہاں ایک پریونٹیو ایکشن جو ہے کہ بھائی کئی لوگوں کو وہ کرائم کرنے سے روکا جائے. ہمارے یہاں جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہاں پراودھان ہے، آئی پی سی میں پراودھان ہے کہ بھائی قانون کرنے سے لوگوں کو بچاؤ. تو پریونٹیو ایکشن جو ہوتی ہے، جو چھوٹا کرمنل ہوتا ہے، تو چھوٹا کرائم کرنے کے بعد وہ سمجھو وہ پولیس کے قانون کے چکر میں آ گیا، اس کے پاس آ گیا، تو اس کو موقع دینے کا ایک پروویژن ہے کہ چھوٹا کرائم ہے تو اسے گڈ بیہیویئر بانڈ بولتے ہیں، وہ اچھا برتاؤ کے بانڈ لیتے دینے کی سویدھا ہے. یا تھوڑا بڑا کرائم کرے، بھلے قانون کے طور پہ اس کے اوپر کاروائی ہوگی، لیکن بھوشیہ میں وہ کچھ کرے نہیں، اس کے لیے اس کے اوپر بانڈ لینے کی پروویژن ہے. ہم لوگ یہاں چیپٹر پروسیڈنگ کرتے ہیں، جو جھگڑا کرنے والے ہیں اس کو گڈ بیہیویئر بانڈ بولتے ہیں، کوئی اچھا برتاؤ کا ایک بانڈ لینے کی پراویدھان ہے. تو وہ جو تو اس کو کافی امید رکھتی ہے کہ یہ گنہگار آج اس نے کرائم کیا ہے تو کل بھوشیہ میں وہ بڑا گنہگار نہیں بنے، اس کے لیے اس سے یہ پریونٹیو جو پراویدھان ہے، جو وہ روکا جائے اس کو اس کے برے کرم سے، تو وہ پراویدھان قانون میں بھی لکھا ہے. آپ کے پاس لوٹتا ہوں، بہت اچھی بات ہم کو ہرا گڑے جی نے بتائی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس باقاعدہ قانون، پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ پریونشن ایکشن لے اور مجرموں کو جرم کرنے سے روکے. جو مجرم پہلی بار کرائم کمٹ کرتا ہے تو قانون یہ میک شیور کرے کہ وہ دوسری بار نہ کرے یا اس سے بڑا جرم نہ کرے، اور مکھیا دھارا سے اپنے آپ کو جوڑے. افضل صاحب، آپ کیونکہ سماج کے اس حصے سے جڑے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں جہاں کرائم ایک عام سی بات ہے اور
क्राइम होते भी हैं और रोके भी जाते हैं। अभी हमको हरा गुड़े जी ने बताया है कि प्रिवेंटिव एक्शन जी, तो क्या सचमुच प्रिवेंटिव एक्शन नाम की कोई चीज़ पुलिस की तरफ से होती है? क्योंकि मैं ये बता दूं, मैंने जहां तक सुना या पढ़ा है वो ये है कि पुलिस के खाते में जिसका नाम एक बार लिखा गया वो अमर हो गया, फिर वो हिस्ट्री शीटर हो जाता है और फिर उसका मुख्य धारा से जुड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या ये बात सिर्फ किताबों तक या कानून की हद तक मुमकिन है या कुछ शरीफ अफसरों अच्छे अफसरों तक मुमकिन है या पुलिस ऐसा कुछ करती भी है? देखिए, जैसा एसीपी साहब ने जो बताया मैं समझता हूँ उसमें से बहुत ही सीधी परसेंटेज अगर हम बात करें तो वो एक किताबी बातें हैं। और जहाँ तक चैप्टर केसेस की वो बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो पर्सनल स्कोर को अंजाम देने के लिए किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, मैं यहाँ रुकूँगा, पर्सनल स्कोर क्या है पहले आप इसे डिफाइन कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। देखिए, पर्सनल स्कोर ऐसा है कि अभी आप किसी गली में रहते हैं और आप किसी से नाराज़ हैं तो आप चाहते हैं कि भाई मैं उनके खिलाफ कंप्लेंस करूं, और कंप्लेंस करने के बाद ऑटोमेटिकली फिर चैप्टर केस बन जाता है। तो मेरे ख्याल से ये पर्सनल स्कोर्स को लाइमलाइट में लाने के लिए या इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ना गवार है। यानी प्रिवेंशन एक्शन नाम की कोई चीज़ इन प्रैक्टिकलिटी पूरी नॉट टोटलिटी में हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर समाज में आप देखेंगे हर चीज के पुलिस की तरफ से, हाँ पुलिस की तरफ से पुलिस की सर्टेन वो उनको क्या है कि उनको दिखाना पड़ता है, टारगेट दिया जाता है, उनको दिखाना पड़ता है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि ये पर्सनल स्कोर को अंजाम देने के लिए ये चैप्टर केसेस बनाए जाते हैं। पर्सनल स्कोर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ रागुड़े साहब, पर्सनल स्कोर पे आते हैं, पर्सनल स्कोर पे पुलिस का क्या प्रोस्पेक्टिव है? देखिए, अभी जो कई हादसे होते हैं, अभी अफजल भाई ने जो बोला है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में उनके सामने कई केसेस आए होंगे उसके आधार पे वो बोल रहे हैं। हालांकि समाज का हर केस तो उनके सामने नहीं आएगा, ना मेरे पास भी आएगा समझो, लेकिन कई हादसे होते हैं, मिसयूज होता है, फिर क्राइम का ही मामला आ गया। उनने जो बात बोली है वो बात ये क्राइम ही है, क्यों पर्सनल स्कोर अगर सेटल करना है तो क्राइम ही करना है। मुझे किसी के ऊपर कुछ कार्रवाई करके दिखाना है तो मैं झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाऊं, फिर उसके ऊपर कुछ एनसी हो जाएगी, फिर वो चैप्टर हो जाएगी, फिर दिखाएंगे कि हाँ भाई देखो तुम्हारे ऊपर मैं कार्रवाई करके दिखाई, तो ये भी तो एक क्राइम अच्छा, है। अच्छा, अगर ये पर्सनल स्कोर जैसी कोई चीज़ पुलिस डिपार्टमेंट करना चाहता है किसी वक्त अपने रिकॉर्ड्स भरने के लिए या अपने टारगेट पूरे करने के लिए, तो उस वक्त जब पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस ऑफिसर की साइकी क्या होती है, वो किन लोगों को चुनता है? मुझे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एक्स एरिया से, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे एक्स एरिया से अपनी जो डायरी है उसको भरना है और टारगेट को पूरा करना है, कम से कम मुझे 3 केसेज और चाहिए, तो वो 3 केसेज मैं कहाँ से उठाऊँगा, किन लोगों को उठाऊँगा, वो कौन लोग होंगे? देखिए अभी वो ये जो अपन बात कर रहे हैं वो मिसयूज की बात कर रहे हैं, एक्चुअली मिसयूज की बात, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, मिसयूज हम वो जो एक छोटा सा सेक्शन है उसमें। देखो, अगर किसी को मिसयूज करना है तो वो तो सॉफ्ट टारगेट देखेगा। वो सॉफ्ट टारगेट क्या होता है? सॉफ्ट टारगेट बोले तो क्या चाहिए, थोड़ा सा मैं चाहता ये हूं कि हमारे जो आवाम है, हमारे जो नाजरीन है, वो इस बात को समझें और इस तरह के भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर या ये कहिए कि टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले पुलिस ऑफिसर जो हैं उनकी साइकी को समझें और उनसे अपने आप को बचाएं, इसलिए मैं आपसे ये समझ रहा हूं। वो तो आपका बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस है, वो किसी को अच्छे बुरे अनुभव आए होंगे, लेकिन मैं तो वो नज़र से नहीं देखता हूँ। नहीं, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोगों ने किया है, मैं एसीबी बना है, तो मैं तो वो ऑफिसर इंचार्ज रहेगा जो चैप्टर केसेस चलाने वाला है। मामला ये है कि किसी को जानबूझ के तो चैप्टर केस नहीं ले सकता है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड बने वो रिकॉर्ड के हिसाब से ही चैप्टर केस आ जाएगी। अगर किसी के खिलाफ कोई झगड़े की केस है तो उसको जाहिर बात है कि पुलिस ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन लेवल पर काम कर रहा है तो उसका टारगेट तो उसको बॉन्ड लेना है उसका, कि भविष्य में इसने झगड़ा नहीं करना मांगता है। तो हमारे सामने जो केस आएगी तो चैप्टर के जो प्रोविजन जो है, यानी जो सीआरपीसी के अंडर जो प्रोविजन दिया है उसके अनुसार ही आएगा, इसमें मिसयूज का बात नहीं आएगी। हाँ, लेकिन बात क्या होता है कि मिसयूज किसी को लगता है कि भाई उसके ऊपर कार्रवाई हो गई, मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, या मेरे ऊपर कार्रवाई हो गई उसके ऊपर नहीं हुई, ये तौलनिक स्वरूप पे कभी कभी हो जाता है। टारगेट की जो बात है तो नॉर्मली जिस जिस केस में
चैप्टर प्रोसीडिंग लेना है तो उसको ऊपर लेना ही है। हाँ, कई बातें रही भी जाती है, अगर कई लोग क्या करते हैं कि उसको चैलेंज भी करते हैं, क्योंकि हर एक को डिफेंस है, या ऐसा नहीं है कि अंधा कानून चले, हर एक को अपना अधिकार दिया है, वो अधिकार के तौर पे वो हाईकोर्ट तक भी जा सकता है कि अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होगी और उसको लगा कि मुझे ये जानबूझ के कार्रवाई की गई है, तो वो न्याय मांग सकता है। सर, वो हाईकोर्ट तक जाने, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात, हाँ बोलिए डिस्कशन के। आप देखिए, वो तो जो भी आप प्रोसीडिंग करते हैं तो वो तो दायरे के अंदर करते हैं, मगर एक कहावत खूब है कि अगर कोई चीज़ फिट नहीं होती है तो आप लाइए, हम उसको फिट कर देंगे। यानी कफन के हिसाब से मुर्दा, बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है। मुर्दा के हिसाब से कफन नहीं, बिल्कुल कफन के हिसाब से नहीं, ना अफजल भाई का इशारा मैं समझ सकता हूँ। अगर कोई पुलिस ऑफिसर मिसयूज करना चाहेगा वो तो जरूर कर सकता है, उसको क्या करना है, अगर चैप्टर प्रोसीडिंग लेना है किसी के ऊपर वो करके दिखा सकता है, क्योंकि दो आदमी को बोलना है अरे भाई उसके ऊपर झूठा उठाए कि दो एनसी लिखा दो, तीन एनसी हो गए तो मैं चैप्टर प्रोसीडिंग कार्रवाई चालू कर सकता हूँ, हालांकि उसने कुछ भी किया नहीं होगा, लेकिन झूठा कंप्लेंट तो उसको दर्ज करना ही है। यानी यहाँ फिर बात है क्राइम की आ गई, पुलिस ऑफिसर हो या पब्लिक हो वो तो क्राइम कर रहा है। अच्छा, मैं यह एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा क्यों करेगा, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जो टारगेटिंग सिस्टम है, इस टारगेटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं क्या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है कि उसे टारगेट है इतना बेच के आना है, कहीं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाला जा रहा, कहीं हमारे पुलिस ऑफिसर्स को हमारा सिस्टम ही तो उस तरफ नहीं लेके जा रहा। देखिए, मार्केटिंग का आप नहीं बोल सकते इसमें, मतलब जैसे ये को मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये पुलिस डिपार्टमेंट मार्केटिंग तो नहीं है कि जाओ ये बेच के आओ इतना टारगेट है आपका। तो टारगेट अभी जो बातें चल रही है कि मुझे इतना केसेस करना है, उतना केस करना है, ठीक है, इसमें ऐड करूंगा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर महकमे में करप्शन है, मगर करप्शन को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस को तो हम प्रूव कर सकते हैं, उनके जो स्वभाव से, उनके चाल चलन से। ये एक निहत्ते आदमी को भी समझ में आ जाए कि भाई ये करप्ट प्रैक्टिस है एंड ही इज इंडल्ज इन करप्शन। इनफैक्ट मैं आपकी बात को अगर डिफाइन करूँ दो लफ्ज़ों में कहूँ तो यूँ कहूँ कि करप्शन से जो है वो जुर्म पैदा होता है बुनियादी तौर पर। जैद भाई, आपकी तरफ आते हैं, ये करप्शन से जुर्म पैदा होता है, एक बात निकल गई, करप्शन से जुर्म पैदा होता है, इस बात को रोकने के लिए इस्लाम के पास क्या फार्मूला है? करप्शन से जुर्म पैदा होता है तो करप्शन को इस्लाम रोकने के लिए क्या सलाह देता है और क्या फार्मूला? देखिए, इसमें करंट इंडियन सिनेरियो में अगर देखा जाए तो जैसे कि डिस्कशन जो चल रहा था, और ये डिस्कशन में सिचुएशन इतनी ब्लीक है कि न्यू दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में ये रिपोर्ट दी थी कि उनके पास जितने पेंडिंग केसेस, वो पेंडिंग केसेस ख़त्म करने में कितने साल लगेंगे, तो एस्टिमेट जो उन्होंने दिया तो बताया कि 466 ईयर्स लगेंगे। यानी कोई नया केस नहीं आया तो, अगर नया केस ना आए तो 466 ईयर्स चाहिए सारे पेंडिंग केसेस खत्म करने में। कौन जीता है तेरी ज़ुल्फ़ के सर होने का? हाँ, और इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ जो जेल इनमेट्स हैं वो अंडर ट्रायल लोग हैं, मेजॉरिटी। कई बार ऐसा होता है, ये कॉमन हकीकत है, कि जितना उसका पनिशमेंट का पीरियड था उससे ज़्यादा टाइम अंडर ट्रायल में गुजर जाता है। तो जब ये सिनेरियो है और जो करप्शन की हकीकत है, तो एक चीज़ जब देखेंगे कि ये पूरा सिनेरियो चेंज कैसे हो सकता है, तो सोल्यूशन जैसे इन्होंने बताया कि एक है क्राइम और एक है क्राइम को रोकने के पहले के स्टेप, ताकि आगे क्राइम ना हो, प्रिवेंशन, लेकिन प्रिवेंशन से भी पहले का स्टेप है के सोशल मेकअप जो है सोसाइटी का, क्या बात है, सोसाइटी किस तरह से बनी हुई है, क्या है फंडामेंटल्स। इकोनॉमिक सिस्टम भी क्राइम से बहुत डीपली कनेक्टेड है, उसी तरह कई सारी जो प्रैक्टिसेस है, मिसाल के तौर पे शराब। अब शराब जो है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन इब्न माजा में सही सनद से कि उम्मुल खबाइस, यानी सारी बुराइयों की माँ है। शराब और ड्रग्स दो ऐसे जरिए हैं कि अगर ये दो चीज़ों को रोक दिया जाए तो कितना सारा क्राइम पैदा ही नहीं होगा। तो मेरा तो सजेशन ये है कि जिस तरह से क्राइम को रोकने के लिए क्राइम से पहले जो चैप्टर प्रोसीडिंग्स वगैरह करके सर्टेन क्राइम को रोकने की कोशिश की जाती है, यही होगा, क्योंकि इस डिस्कशन को यहीं आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। मैं अभी ये शराब और ड्रग्स इस पे बात करना चाहता हूँ कि शराब और ड्रग्स ये दो बड़ी ऐसी अजीब चीज़ें हैं जो हमारे समाज को बिगाड़ती हैं और हमारे समाज में क्राइम पैदा करती हैं, और उसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव है कि हज़रत रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुल खबाइस, यानी तमाम खिबासतों की माँ, खिबासत से ही क्राइम पैदा होते हैं। तो आप समाज के इतने करीब हैं,
آپ بتائیے کہ یہ شراب اور ڈرگس جو ہے یہ کیا رول پلے کر رہی ہے سماج میں ایز فار ایز کرائم از کنسرن؟ دیکھیے جہاں تک ڈرگ کا سوال ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا رنگ ہے، اب سمجھے اگر آپ اس میں سے کسی کو بھی ٹچ کرنا چاہیں تو وہ آپ کے بس میں نہیں ہے کیونکہ دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ۔ یہ بعد میں آئیں گے، جی پہلے میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک عام ہمارے لوور مڈل کلاس کا ایک بندہ شراب پیتا ہے یا ڈرگس لیتا ہے اور نشے کی حالت میں وہ اپنے گھر سے کرائم کی شروعات کرتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے یا اپنے بچوں کو مارتا ہے یا اپنے آس پڑوس میں جھگڑا کرتا ہے اور یہ اپنے آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، کہیں توڑ پھوڑ کرتا ہے اور کیسز پولیس کے پاس آتے ہیں اور پولیس کی پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، جی تو کیا ہم یہ نہ مان لیں کہ اگر اس غریب آدمی نے یا اس لوور مڈل کلاس آدمی نے شراب نہ پی ہوتی یا چرس گانجا نہ پیا ہوتا یا ڈرگس کی کوئی فارم نہ لی ہوتی تو شاید وہاں اس گھر اس گلی اس محلے میں کرائم پیدا نہ ہوتا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ الکحل کو دیکھ لیجئے یا آپ ڈرگس کو دیکھ لیجئے، یہ آج کے جو معاشرہ ہے اور ینگسٹرز جو ہیں دے آر ہیپی گو لکی، اب وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے شوق سے، ٹھیک ہے کہ بھائی میرے دوست لوگ پی رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں پیے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ جو پرووائڈ کرتے ہیں وہ شروع میں تو آپ کو فری میں پرووائڈ کرتے ہیں اور جب اس کے بعد جب آپ کو ایک لت لگ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایکسپلائٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ سارے چیزوں کا پھر نتیجہ بھی غلط ہوتا ہے، یہ ایسکیلیٹ ہوتی ہے، یہ کم نہیں ہوتی۔ ہراگڑے صاحب، یہ شراب اور ڈرگس ہمارے سماج، ہمارے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ہمارا یوتھ، ہمارے بچے، جیسا کہ ابھی محمد افضل صاحب نے کہا کہ لوگ فری میں پرووائڈ کرتے ہیں ان کو ہیبیچول بنانے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے، یا مزدور طبقے کے وہ لوگ جو جن کے پاس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، جو دن بھر کام کرتے ہیں اور شام کو شراب پیتے ہیں اور رات کو بیویوں اور بچوں کو پیٹتے ہیں، ہم سب یہ ساری باتیں جانتے ہیں، پولیس کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے کہ ان سب چیزوں کو یعنی شراب کی آسانی سے ان تک پہنچ یا دستیابی روکی جا سکے یا ڈرگس کی آسانی سے ان تک پہنچ کو روکا جا سکے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے گجرات، گجرات میں کم سے کم شراب بندی تو پوری طرح سے ہے اور سرکاری طور پر شراب کہیں مہیا نہیں ہوتی، تو اس کو روکنے کے لیے پولیس کیا قدم اٹھا سکتی ہے یا اٹھا رہی ہے اور وہ کتنا افیکٹو ہے؟ دیکھیے ابھی شراب کی جو بات اور کرائم کی بات چلتی ہے تو نارملی ابھی جو گورنمنٹ لیکر جو بک رہا ہے آتھورائزڈ، وہ ایک الگ چیز ہے، انآتھرائز جو لیکر ہے جو پہلا ہاتھ بھٹی چلتی تھی یعنی عام جنتا کی دارو، یعنی اس کو جو فلم عام جنتا کی یعنی ہینڈ میڈ جس کو بولتے ہاتھ بھٹی جو گھروں گھروں میں بنتی تھی، اس میں ابھی وہ تھی سب غریب لوگوں کی، وہ ان کے لیے بنی تھی، ابھی اس کے اوپر کافی کنٹرول ہوئے، گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، پولیس کا کنٹرول ہے، سبھی طرف سے کنٹرول ہے، لیکن جو کرائم ہم جو بات کرتے ہیں تو کرائم یہ لوور لیول پہ زیادہ اپن دیکھتے ہیں، جھگڑا ہے، چوری ہے، مرڈر ہے، وہ کہاں دیکھتے ہیں اپن زیادہ کر کے، وہ دارو پیا تھا، وہ جھگڑا کر دیا اور پھر ایک دوسرے کو چاکو سے مار دیا، وہ بات دیکھتے ہیں، ملک کے اپنا کام کر رہی ہے، دوسرا بات بولتے ہیں کہ دارو پینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ جھگڑا کر کے گھر میں جائے گا، ماں باپ کو مارے گا، پیسہ نہیں ملے گا تو عورت کو مارے گا، یہ بات اپن سنتے ہیں، دوسرا بات کریں گے اگر وہ ذریعے بھی بند ہے تو وہ بازو میں چوری کرے گا، چوری کرے گا، ایک دو برتن چوری گیا، جو بھی چوری کرے گا اور اس کو شام کو دارو پینے کو ملے گی، جو حال دارو کا ہے وہی حال ڈرگ کا ہے، ڈرگ کا معاملہ اس سے بہت سیریس ہے، کیونکہ ایک دفعہ یہ شراب کے بنا ایک دو گھنٹہ ایک دن رہ سکتا ہے، لیکن جس کو ڈرگ کی عادت لگ گئی ہے وہ قطعی وہ رکتا نہیں ہے، اس کو وہ منگتا ہی ہے۔ ابھی یہ جو ابھی کرائم اپن دیکھتے ہیں جو ڈرگ کے ذریعے جو بنتے ہیں وہ بہت سیریس کرائم ہو جاتے ہیں، ابھی حالانکہ گورنمنٹ کا بہت کنٹرول ہے اس کے اوپر، پولیس کا بھی کافی کنٹرول ہے، بہت بڑے پیمانے پہ اس کے اوپر ریڈ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کافی حد تک کنٹرول بھی ہو چکا ہے، اپن کبھی دیکھے ہوں گے بمبے کا ایک 15-20 سال پہلے کا حال اور ابھی کا حال، اس میں کافی سدھار آ گیا ہے، لیکن ابھی کیا ہے کہ بہت سی جو سلم ایریا ہے، جھوپڑ پٹی ہے، وہاں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ڈرگ مافیا نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ذریعے سلم میں یہ کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی عادت لگ گئی غریب لوگوں کو۔ آپ ایک مالونی سری کا علاقہ دیکھو، پیچھے سائڈ میں آپ سلم میں جائیں گے تو آپ کو کئی یوتھ جو ہے وہ ڈرگ کے ادھین ہو چکے ہیں، ان کو لت لگ گئی ہے اس کی، اس کا ریفارمیشن کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کے پاس ذریعہ ہے، بہت NGO کام کر رہی ہے، گورنمنٹ بھی مدد کر رہی ہے ان کو،
कि ड्रग एडिक्शन नहीं होना मांगता है, ड्रग एडिक्ट हो गया तो उसको सुधारने का कोशिश करें। लेकिन जो क्राइम करने वाले, ड्रग बेचने वाले, शराब बेचने वाले, वो तो अभी तक पूरा तरह से उनका ये हो नहीं हुआ। तो अभी भी कई पैमाने पे यहाँ वहाँ अपन पेपर में तो आप पढ़ते होंगे, ये ड्रग वो ड्रग पकड़ा गया है, ये हो गया, वो तो चालू है। यानी वो क्राइम जो है ड्रग बेचने वाले का और शराब बेचने वाले का, वो अभी भी है। अच्छा, हरागुड़े जी की बात से एक बात निकलती है गैर खालिद भाई, कि ये जो क्राइम है ये एक आदत है या एक सिस्टम के खिलाफ बगावत है? देखिए क्या होता है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ होती है। एक टाइप का क्राइम वो होता है जो एक इंसान मजबूर है, सचमुच मजबूर है, जिसके पास खाने के लिए नहीं, वो चोरी करके कुछ अपने ले ला रहा है, अपने बच्चों को भूखा तड़पते देख पा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है ग्रीड और लालच और मटीरियलिज्म, और जिस तरह से आज सपने दिखाए जाते हैं कि भाई आदमी छोटे से घर में खुश है तो उसे बड़े घर का ख्वाब दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि आपके सपनों का घर, और ये घर मिल गया तो बीवी बहुत खुश होगी, बच्चे यहाँ से वहाँ खुशी खुशी भागेंगे। तो ये इस तरह का जो पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, हम एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं, और जितना आज से पहले हमारे बाप दादा के ज़माने में मटीरियलिज्म था, उससे ज़्यादा मटीरियलिज्म आज है, और उससे कनेक्टेड हम देखते हैं बहुत सारा क्राइम भी है। तो जैसे हम देखेंगे कि पूरी ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी जिस तरह से वीव की गई है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में कई सारे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे मैं हिंट कर रहा था अपने पिछले कमेंट में कि हमें ऐसे कई सारे सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, फिनेंशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ तक का एक बहुत ही रेडिकल स्टेटमेंट बताऊँगा कि बहुत सारे क्राइम की बुनियादी वजह सूद है, इंटरेस्ट है, और मैं इस चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ, भले ही किसी का नज़रिया अलग हो, लेकिन बहुत सारे क्राइम की बुनियादी वजह ये सूद का सिस्टम है। कैसे? मैं उसे उसके प्रूफ देने तैयार हूँ। मैं एग्री करूँगा आपकी बात से, क्योंकि अगर तमाम दुनिया की इक्तसादियात पर आज आप नज़र डालें तो बहुत तेज़ी से इस्लामिक बैंकिंग नाम की एक चीज़ ग्रो कर रही है पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे मलेशिया में, बल्कि मलेशिया में जो इस फादर ऑफ द इन्वेंशन कहलाते हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब, मेरी उनसे बातचीत भी हुई, मुलाकात भी हुई, तो एक गैर सूदी मुआशरा जिसको हम कहते हैं वो तेज़ी से इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो कर रहा है, तो इसलिए मैं एग्री करूँगा। प्लीज़ आप कंटिन्यू। देखिए एक मैं मिसाल देता हूँ, एक आदमी है जो छुरी लेकर रास्ते पर जाता है, लोगों की गर्दन पर छुरी रख के कहता है जेब में क्या है निकालो, हर कोई कहेगा ये गलत है। लेकिन इमेजिन करिए एक सिनेरियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम अगर यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट है जिसकी रिपोर्ट इंटरनेट पर मौजूद है, ये इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट बताता है कि वर्ल्ड के जो टोटल एसेट्स हैं वो किसके पास है, तो हम देखते हैं कि अमीर जो टॉप 1% है, इनके पास वर्ल्ड की 44% प्रॉपर्टी है। 1% के पास 2% नहीं, 5% नहीं, 10% नहीं, 20% नहीं, 44% ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ल्ड, एसेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये 1% लोगों के पास है। अगर हम टॉप 10% देखते हैं तो इनके पास टोटल वर्ल्ड के 84% एसेट्स हैं, 84% एसेट्स सिर्फ 10% के पास है। लेकिन जो गरीब 50% है, आधी पॉपुलेशन दुनिया की, आधी गरीब दुनिया, उनके पास वर्ल्ड की कितनी प्रॉपर्टी है, तो इनके पास राउंड फिगर रीजंस के लिए कहा जाता है 1% है, वो भी 1% फुल नहीं है, 1% राउंड फिगर लाना है, तो इस वजह से कह रहे हैं 1%, यानी 1% प्रॉपर्टी है 50% लोगों के पास, और 10% लोगों के पास 84% प्रॉपर्टी है। दरमियान में मिडिल क्लास है जो 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, इनके पास तकरीबन 15% ऑफ द वर्ल्ड एसेट्स है। अब यहाँ जो गरीब 50% है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आइडियाज़ है, जिनके पास क्रिएटिविटी है, जिनके पास इनिशिएटिव है, वो जिंदगी में कुछ कर सकते हैं और बड़ा बनने की चाह भी है, पैसे नहीं है, लेकिन बस पैसे नहीं, पैसे हैं तो वो 10% के पास है, 84% ऑफ द वर्ल्ड एसेट्स वो 10% के पास है, और वो देंगे तो इंटरेस्ट पे देंगे, और इंटरेस्ट पे जब देंगे तो चाहे आप कामयाब रहो या फेल रहो, पूरा पूरा रिस्क आपके ऊपर है, उनको आपको तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब जब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये 50% जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब के गरीब ही रहते हैं, एक्सेप्शंस के अलावा, कोई एक्सेप्शन निकल आया अलग बात है, लेकिन जनरली ये लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे, क्योंकि इनके पास वो एसेट्स नहीं है बाहर निकल पाने के लिए, वो हैं तो वहां पर कुछ लोगों के पास है, और वो देंगे तो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करके देंगे। लेकिन अगर ये जो छुरी, और मैं कह रहा हूँ ये छुरी है, इंटरेस्ट की छुरी, अगर उनके हाथ में से ले ली जाए और ले करके उन्हें कहा जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, उनके पास जो पैसे हैं वो देंगे तो रिस्क शेयरिंग पर देंगे, और जब रिस्क शेयरिंग पर देंगे तो इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेसेस करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो कंट्री का रेट ऑफ डेवलपमेंट बढ़ेगा, कंट्री की ग्रोथ होगी, जॉब्स जनरेट होंगे, क्राइम कम होगा, जो अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस खत्म तो नहीं हो जाएगा लेकिन थोड़ा तो कम होगा। ये इतना ज्यादा जो गैप है ना, ये भी एक बुनियादी वजह है क्राइम की। तो हम देखते हैं कि ये इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम भी एक रीजन है क्यों क्राइम इतना ज्यादा
ग्रो कर रहा है इंटरनेशनल। राइट राइट, अमीर और गरीब के दरमियान एक गैप और तेजी से बढ़ता ही जा रहा है जो गैप, वो गैप भी क्राइम की एक वजह है। मैं एक दो चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ACP साहब ने जैसे कहा, ह्यूमन साइकोलॉजी अगर हम देखें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उभर के आती है कि जो रक्षक है वही अगर भक्षक बन के रहें तो कभी भी हमें समाधान नहीं मिलेगा। अभी एक रिसेंट जो केस आजकल हम पढ़ रहे हैं कि भाई कांस्टेबल के घर से इतने सारे ड्रग्स मिले, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये उनके पास कैसे आए। दूसरी चीज़, ये एक डीमोरलाइजिंग डिपार्टमेंट के लिए भी है और जो आम जनता है उसके लिए एक शर्मनाक बात है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी अगर इस तरीके से बिहेव कर रही हैं और ऑपरेट कर रही हैं तो आप आम जनता से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ये एक बात हो गई। सेकंड चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर हमारे हिंदुस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म आ जाए और सही तरीके से आ जाए तो मेरे ख्याल से क्राइम रेट जो है वो आधे से कम हो जाएगा। यकीनन बहुत सारी चीज़ें, अगर हम पूरा जुडिशियल सिस्टम देखें, देयर आर सेवरल थिंग्स जो वर्दी ऑफ इवैल्यूएशन है और हमें डिस्कस करना चाहिए, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसकी वजह से हम सब बात कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जहाँ एज फार एज वी डिस्कस द जुडिशियल रिफॉर्म जी, तो मेरे दिमाग में फौरन एक सवाल आता है कि जो हमारा मौजूदा जुडिशियल सिस्टम है जी, क्या वो नाकाफी है? बिल्कुल नागवार है। आप देखेंगे कि वहाँ पे तारीख पे तारीख के अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी जैसे कि ज़ैद खालिद साहब ने बताया कि 460 साल लगेंगे, इतने पेंडिंग केसेस हैं उनके पास, वो भी क्या करें तारीख देने के। ये किसकी गलती से हुआ है? ये महकमे की गलती से हुआ है। महकमे की गलती से हुआ या सिस्टम की गलती से हुआ? सिस्टम की गलती से हुआ है। सिस्टम की गलती से हुआ है। राजगुड़े जी, आप क्या कहेंगे इसमें कि जुडिशियल सिस्टम हमारा जो है वो नाकाफी है या उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं कमी है जो हमारे समाज को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम जो बनी है वो अपने अपने हिसाब से बनी है। बहुत सालों के स्टडी के बाद ये जुडिशियल सिस्टम नाम की एक सिस्टम बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की जुडिशियल सिस्टम अलग है, अमेरिका की अलग है, UK की अलग है, ऐसा नहीं है। बेसिकली सब जुडिशियल सिस्टम सेम ही है। मैं बीच में रोक के आपसे सवाल कर रहा हूँ, हम जुडिशियल सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं या बनाने वालों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा। आप एक जज हैं और आपने क्राइम होते देखा है, आपकी गाड़ी गुजर रही है और आपने देखा कि आपके सामने क्राइम हुआ, आपने किसके साथ क्राइम हुआ ये भी देखा, किसने क्राइम किया ये भी देखा, लेकिन जब आप ही के कोर्ट में वो केस आता है जो एक पुलिस ऑफिसर ने उस केस को बनाया है, तो आप बीइंग अ जज आपने जो देखा उसकी बुनियाद पर फैसला देते हैं कि जो पुलिस ने केस बना के आपके सामने रखा उसकी बुनियाद पर फैसला देते हैं? जज को आपने देखे हुए चीज़ के ऊपर फैसला देने का कोई अधिकार नहीं दिया है उसको। पुलिस रिपोर्ट कहीं ना कहीं, अफजल साहब की बात ठीक है, उसको पुलिस रिपोर्ट के बुनियाद पे उसको फैसला देना है, जो गवाह उसके सामने आते उसके ऊपर उसको फैसला देना है। वो सिस्टम बायस हो सकता है क्योंकि वो सिस्टम बनी है अपनी, जो जुडिशियल सिस्टम जो बनी है वो सिस्टम बड़े बड़े बारीकी से और बड़े सोच बूझ के बनी है। जस्टिस कंजू जो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हैं, उनका कहना है कि एक जज के पास मैक्सिमम पेंडिंग केसेस 300 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और जो ये करंट सिनेरियो है जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस एक एक जज के सामने होते हैं, जैसे कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जब लोगों को पता है कि ये तो हमारे लीगल सिस्टम में जाकर सालों साल तक चलता रहेगा, तो फिर एक डेट्रीमेंटल फैक्टर नहीं होता है। जो क्राइम करने वाला है उससे डर उस चीज़ का नहीं होता, बल्कि चलता रहेगा केस। और ख़ास तौर से जो रिच है, जो उस चीज़ को सस्टेन कर सकता है, कोर्ट में बार बार आके अपियर हो सकता है, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है लॉयर्स और लीगल फीस और कोर्ट फीस देने में, उसको प्रॉब्लम नहीं है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाने में, जिसको प्रॉब्लम नहीं है, खास तौर से उसके लिए एक तरह की सेफ्टी है कि चलता रहेगा केस कोर्ट में, जिंदगी निकल जाएगी हमारी। और एक डेट्रीमेंटल फैक्टर डर नहीं लग रहा है ना इसमें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें गौर करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई चीज़ हुई वो क्या हुआ, हम ये कहते हैं कि ऑलवेज द स्कोप फॉर आदमी गौर करे कि आखिर में सही क्या है, अच्छा क्या है, ताकि आगे बहुत अच्छी बात ज़ैद खालिद साहब ने निकाली कि क्या हमारे समाज से हमारे जुडिशियल सिस्टम और हमारे कानूनी सिस्टम का खौफ और डर निकल गया है? क्या हमारा समाज और समाज के लोग जो कैपेबल लोग हैं, क्या वो जुडिशियल सिस्टम से या हमारे जो कानून का सिस्टम है, पुलिसिया सिस्टम है, उससे डरना उन लोगों ने बंद कर दिया और उससे खेलने लगे, या उसके अंदर उन्होंने
अपने प्रोटेक्शन की दरारें ढूंढ ली। देखो अपन डेमोक्रेसी में रहते हैं, डर ये कानून का डर तो किसको होना मांगता है, क्राइम करने वालों को। उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बाकी सोसाइटी की नहीं कर रहा हूँ। जो लोग क्राइम कमिट करते हैं उन्हें कमिट करते वक्त ये खौफ होना चाहिए कि मेरा समाज जो है उसमें एक जुडिशियल सिस्टम है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पिनल कोड है, वो मुझे सजा देगा। ये खौफ जो है क्या लोगों के दिलों से निकल गया है? ऐसा तो नहीं बोल सकते हम पूरा, क्योंकि इसमें जुडिशियल सिस्टम या पुलिस को दोष देने में कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर कुछ गलती आ गई, अगर डर निकल गया, तो उसके लिए समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर आप बोलते हैं कि जुडिशियरी जिम्मेदार है या पुलिस जिम्मेदार है, उसके साथ साथ समाज भी जिम्मेदार है। जुडिशियरी और पुलिस के साथ साथ समाज भी जिम्मेदार है। मैं कहूँगा जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम करप्शन को तो प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट करप्ट प्रैक्टिस को प्रूव कर सकते हैं। एक सिंपल एक एग्जांपल आपको दूंगा, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब बैलेंस शीट तैयार की जाती है और ऑडिट किया जाता है, तो एंड में ऑडिटर का रिमार्क होता है कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके आधार पे हमने ये रिपोर्ट बनाई है। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का हर मामले में ही है, इवन प्राइवेट सेक्टर में। अब जब हम क्राइम की बात करते हैं, तो जब पुलिस लीगल ओपिनियन के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जब डॉक्यूमेंट्स भेजती है, तो वो अपने हिसाब से भेजती है कि वो कहाँ पे नज़र डालना चाहती है, आप समझे। तो वहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या आपने पूरे के पूरे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं जिसके बेसिस पे आप ओपिनियन मांग रहे हैं, या आप वही डॉक्यूमेंट दिए जिस पे आप अपनी मर्जी की राय चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल। मतलब यहाँ बात वही आ जाती है कि एक पुलिस डिपार्टमेंट ने या एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने किसी एक केस को किस तरह से कोर्ट के सामने पेश किया, या एक किसी कंपनी या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंटिंग सिस्टम ने किस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने या ऑडिटर्स के सामने अपने अकाउंटिंग सिस्टम को पेश किया एक ही तरह से। यानी हम एक राय चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बात जानना चाहता हूँ, तो मैं सवाल उसी अंदाज का रखूँगा आपके सामने, मैं सवाल सच्चाई के साथ नहीं रखूँगा। तो यहाँ कहीं गुंजाइश है झूठ बोलने की? कहाँ यहाँ कहीं गुंजाइश है अपनी मर्जी का नतीजा, अपनी मर्जी का फैसला जुडिशियरी से लेने की, या अपनी मर्जी की बैलेंस शीट चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेने की और ऑडिटर से लेने की? देखो कई हद तक तो जो हम बात करते हैं जो जस्टिस देने की या कुछ अच्छी ढंग से पेश करने की अगर बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें, तो एक बात है कि वो जो पेश करने वाला आदमी है वो कितना ईमानदार और कितना बेईमान है, उसके ऊपर काफ़ी मायने रखता है। अगर ये चश्मा है और वो गवाह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मैं इधर दिखाई नहीं, मैं गया और ये मैं दिखाई नहीं, वो बाजू में हटा दिया और बोला कि पंचनामा बना दिया, ये चश्मा इधर मौजूद था ही नहीं, क्योंकि उसको अगर लगता है कि उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वो कई चीज़ें ओमिट कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में वो टाइम पे पावर है। अगर वो हाँ, रोकने का तरीका क्या है? देखो तरीका तो बहुत है इसमें। सिस्टम जो बनी है उसके लिए कई एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी ऑफिसर जो पंचनामा करता है या केस लिखता है, उसके ऊपर इंस्पेक्टर है, उसके ऊपर ACP है, DCP है, एडिशनल CP है, ऐसी बड़ी लिंक है। लेकिन उसके प्रॉब्लम इसमें ये है कि उतना फॉलोअप होना ज़रूरत है। अगर किसी को मालूम पड़ा है कि भाई इसमें कुछ गलती हो चुकी है, तो उसका फर्ज बनता है उसके लिए स्ट्रगल करो, उसके लिए लड़ो, आप उसके ऊपर वाले ऑफिसर के पास जाइए। जैसे अफजल भाई एक्टिविस्ट है, उनका फर्ज ही है, अगर इधर न्याय नहीं मिल रहा है या ये ड्यूटी ऑफिसर कुछ गलती कर रहा है, तो उसकी गलतियाँ उसके ऊपर वाले साहब के सामने पेश किया जाए, वो उसके सामने ला जाए। इनके बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं आपके पास इसीलिए आ रहा हूँ और सवाल ये लेके आ रहा हूँ कि ऐसे केसेस आपके सामने बहुत आए होंगे जो ड्यूटी ऑफिसर है वो जस्टिस नहीं कर रहा है। मैं आपको इसका सिस्टम बताता हूँ कैसे है। शायद आप, आई स्टैंड करेक्टेड, कमिश्नर जो होते हैं वो पब्लिक मीटिंग बुलाते हैं कि भाई हर लोकेलिटी में, और डिनर भी होस्ट करते हैं ताकि वहाँ पे मतलब यानी लोगों को समझाए कि भाई हम इतने बुरे नहीं हैं जितने हम दिखते हैं। इसमें इनवाइटीज कौन लोग होते हैं? लोग नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इनवाइट किए जाते हैं। नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोसाइटी। यस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। अब वहाँ पे जो कहा जाता है कि भाई पुलिस इज़ वेरी अप्रोचेबल,
जो हकीकत में हम जानते हैं कि दे आर नेवर अप्रोचेबल। आज आपको मैं बताऊं, PSI ले लीजिए, उनके ऊपर ACP ले लीजिए, उनके ऊपर DCP ले लीजिए, उनके ऊपर एडिशनल कमिश्नर ले लीजिए, अगर PSI को जो चीज़ दिखानी है तो वो दिखा के रहेगा और बाकी के लोग आँख पे पट्टी बांध के रहेंगे। आपका कुछ नहीं हो सकता है, उसका नतीजा आपको नहीं मिलेगा जब तक आप कोर्ट में नहीं अप्लाई। इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, कारण क्या है? देखिए, इसकी वजह है बैड गवर्नेंस। यानी बैड गवर्नेंस यू मीन टू से आप ये कहते हैं कि आपका जो एक छोटा ऑफिसर है, आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या ऑफिसर ऑन ड्यूटी है, उसको उसका अफसर सिर्फ इसलिए बचा रहा है कि वो उसका जूनियर है, या हिस्सेदारी है? नहीं नहीं, यहाँ पे या कोई हिस्सेदारी है नहीं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोअर लेवल में जो बात कर रहे हैं, या तो करप्शन हो सकता है या दोस्ती यारी हो सकती है कि भाई हर जगह पैसे काम नहीं आते मगर दोस्ती यारी काम आ जाती है। तो दोस्ती यारी के तहत अगर वो उन लोगों को बचाना चाहते हैं, कवर अप करना चाहते हैं, तो वो उस तरीके से पेश आएंगे। मैं अभी आपको बताऊं, एक पिछले हफ्ते की बात है कि एक बहुत क्लियर कट केस है, सोसाइटी का ही है, इसमें टाटा टेली सर्विसेज इन्वॉल्व्ड हैं, बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व्ड हैं, और दोनों ने, सेक्रेटरी चेयरमैन और टाटा वालों ने मिल के सोसाइटी के कंपाउंड में करीबन 70 स्क्वायर फीट की जगह पक्के RCC स्ट्रक्चर में, इलीगल स्ट्रक्चर में उन्होंने अलाउ किया। अब उनके पास AGM का अप्रूवल नहीं है, उनके पास BMC का अप्रूवल नहीं है, उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का अप्रूवल नहीं है। उन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया है वो एग्रीमेंट उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, जो AGM ने साफ तौर पे नकार दिया कि आपने, सेक्रेटरी और चेयरमैन ने इस पर्टिकुलर इलीगल RCC स्ट्रक्चर को अलाउ कैसे किया। उसके बावजूद भी उसके एक महीने बाद सेक्रेटरी NOC इशू करता है टाटा टेली सर्विसेज को, उसके बाद अपने लेटर हेड पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि जब कोई भी कंपनी कोई लीव एंड लाइसेंस पे जगह लेती है तो एक तो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन होता है, बोर्ड ऑफ कमिटी मेंबर्स होते हैं जो रेजोल्यूशन पास करते हैं कि भाई ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि ये आदमी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और ही विल बी दी सिग्नेटरी। और जहाँ तक सोसाइटी का सवाल है, उसमें एक फिक्स फॉर्मेट है जहाँ पे ओनली AGM अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। इन्होंने क्या किया है, AGM अप्रूवल को कट करके इन्होंने मैनेजिंग कमिटी का अप्रूवल वहाँ पे दिखाया है। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ना कोई तारीख है, सारे चीज़ें ब्लैंक हैं, उस चीज़ को नोटराइज किया गया है। तो ये सारे चीज़ें पॉइंट आउट करती है सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझे। तो जब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है तो इसके तहत मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिए हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट दिए हैं, सेशन कोर्ट के जजमेंट्स दिए हैं, मगर ऑफिसर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, DCP ने आँख पे काले पट्टे बांध रखे हैं और उन्होंने कहा है सोसाइटी मैटर है, गो टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि DGP का जो सर्कुलर है कि अगर आपके पास कोई भी कंप्लेन कॉग्निजिबल नेचर का हो, FIR हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद इन 48 आवर्स, आपका इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप है वो सिर्फ 48 आवर्स तक सीमित है, ठीक है। ये मैटर को करीबन 2 साल हो गए और इसका कोई नतीजा नहीं निकला, 48 आवर्स ओवर नहीं हुए। यह बड़ी अच्छी बात निकलती है अफजल साहब की बात से। धरागुड़े साहब, एक बात बताइए, बहुत आम पब्लिक का आम सा सवाल है, मैं समझता हूँ कि हमारे नाजरीन में से हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहेगा, और वो ये है कि एक आम सा आदमी जब उसे कोई शिकायत पैदा होती है, उसे लगता है कि उसके खिलाफ क्राइम किया गया, समाज ने उसके किसी अधिकार का हनन किया, समाज में मौजूद किसी भी शख्स ने उसके साथ कोई ज्यादती की और उसे लगता है कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ या मेरे साथ जो जुर्म किया गया ये एक ऑफेंस है, और वो शिकायत लेके पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ कोई भी एक क्लर्क या पुलिस वाला या कांस्टेबल उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता, उसकी FIR नहीं लिखता और उसे वजह भी नहीं बताता, उसको ये समझाता भी नहीं, उसकी मजाक भी उड़ाता है, कहता है कि हम तेरे लिए यहाँ इसीलिए बैठे ना क्या, यहाँ बहुत बड़े बड़े केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वो 3.5-4 लाख केसेस का जिक्र कर देता है पड़े हुए, हम बैठे चल जाके सुलझा ले वरना तुझे ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा क्यों है,
और इसको रोकथाम करने का क्या तरीका है, और हमारा वो आम नाजरीन, आम आदमी क्या करे अगर उस पर ऐसी कोई बात गुजरे तो? देखो, कोई आम आदमी के साथ में अगर कोई हादसा होता है ऐसा, ये सरासर गलत है, यानी वो होना नहीं मांगता, होना नहीं चाहिए, कानून तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को अपना एक अधिकार है, उसके ऊपर कोई अन्याय हुआ होगा तो उसका अधिकार भी बनता है कि उसकी कंप्लेन लिखा जाए। बल्कि इस सवाल को और थोड़ा पहले शुरू करता हूँ मैं, इसी सवाल को, ये तहरीर लिया जाना क्या होता है? हमने अक्सर देखा है कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और सुना है जाके कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ बैठा क्लर्क कहता है साहब आप अपनी तहरीर लिखवा दो, FIR नहीं काटता, वो कहता है अपनी तहरीर लिखवा दो, आपकी कंप्लेंट लिख, आपकी कंप्लेंट लिखी जाएगी, वो कागज़ पे कंप्लेंट लिखी जाएगी, FIR नहीं लिखी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो पुलिस स्टेशन में कोई भी एक क्लाइंट, कोई भी एक मजलूम जिसके साथ जुल्म हुआ है, जुर्म हुआ है, वो लेके आता है, जैसा कि नाम से मैं समझता हूँ, और कानूनी बात आप बता सकते हैं। तो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखने की बजाय तहरीर लिखी जाती है, ये क्या मामला है, ये कैसे, और इसका कानूनी पहलू क्या है? ये कानून में इसका कोई मायना नहीं है, कोई मायना नहीं है कि तुम्हारे हाथ से लिखे दो या फिर बाद में हम FIR करेंगे, ये गलत है। सेक्शन 154 CRPC जो है वो क्लियर कट बोलती है कि भाई ऑफिसर के पास कंप्लेंट आ गई तो उसका फर्ज बनता है कि वो उसकी कंप्लेंट सुने और वो FIR उसका, अगर वो कॉग्निजेबल है, वो दखल पात्र है, जो दखल देने लायक चीज़ है, तो तुरंत वो FIR उसका करे, वो उसके हैंडराइटिंग में दे। दूसरा एक तरीका है कि वो डायरेक्ट FIR भी दे सकता है अपनी हैंडराइटिंग में, और वो उसकी जो रिपोर्ट है वही FIR हो जाती है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऊपर जाति दुश्मनी हो गई, वो आपका कोई ऑफेंस हो गया आपके अगेंस्ट में, आप सीधा ड्यूटी ऑफिसर के पास जाए, उसको अपनी कंप्लेंट बताइए और उसका फर्ज बनता है कि वो कंप्लेंट लिखे। क्या सवाल ये है कि अगर न लिखे तो वो क्या करे? न लिखे तो उसको तुरंत उसमें लिखा जाता है, हर पुलिस चौकी में बोर्ड लिखा जाता है, अगर आपका समाधान नहीं होता है तो आप ड्यूटी इंस्पेक्टर को मिलो, अगर आपका समाधान नहीं होता है तो वरिष्ठ इंस्पेक्टर को मिलो, या ACP के नंबर भी दिए जाते हैं। वो अभी बहुत प्रिवेंटिव, एक्चुअली लोगों के ऊपर जो कई अन्याय होते हैं उसके लिए बहुत कुछ लिखा होता है। मैं आप बताइए कि वो नंबर तो हमने, ये सारी चीज़ें बिल्कुल तस्वीर की तरह दीवार में लगाई गई है, ये एक किताबी बातें, बट प्रैक्टिकलिटी में दुनिया कुछ और ही है। एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको, मैंने एक कंप्लेन किया और जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेन किया, ये बैंक का मामला था, सोसाइटी फंड्स का मामला था, उन्होंने 10,000 रुपये उसमें से सोसाइटी के फंड से निकाले। 3 महीने तक सेक्रेटरी ने और चेयरमैन ने किसी कमेटी को नहीं बुलाया। आज अगर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड घूमता है तो सबसे पहला आपका क्या स्टेप होगा? आप पहले ब्लॉक कराएंगे, आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे और फिर आगे जो भी कार्रवाई है वो होनी है। यहाँ पे इस केस में 2.5 महीने तक उन्होंने कमेटी के मेंबर को नहीं बताया। जब हमने डिटेक्ट किया और हमने बैंक से संपर्क किया और मीटिंग बुलाई कि आपने कमेटी के लोगों, क्योंकि उस वक्त मैं भी कमेटी में था, तो ये सुनने के बाद उन्होंने बैंक को लिख के दिया कि भाई हम दोनों के, सेक्रेटरी और चेयरमैन के दोनों के सिग्नेचर जाली दस्तक करके पैसे निकाले गए हैं। अब ये चीज़ प्राइमर फेसी क्राइम हो जाता है, इट्स अ क्राइम ऑफ फॉर्जरी, तो FIR दर्ज होना चाहिए। एज पर द DGP सर्कुलर ये साफ तौर पे कहा गया है कि आपको मेरिट्स पे नहीं जाना है कंप्लेनेंट के, कि क्या वो सच बोल रहा है क्या वो झूठ बोल रहा है। प्राइमर फेसी अगर आपको दिखता है कि क्राइम है तो आपको FIR दर्ज होना चाहिए। हमारे केस में नहीं हुआ। अब हमारे केस में नहीं हुआ तो हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेन फाइल किया और उसके तहत जो प्रोसेस के लिए हमने अप्लाई किया था तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मगर उनको फर्दर क्लैरिटी चाहिए थी, जिसके वजह से उन्होंने 202 के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन में भेजा। तो अभी आप सोचिए कि 3 साल हमने पुलिस स्टेशन में चप्पलें घिसवाए और जो उनका काम है, जिनकी सैलरी वो पाते हैं, उन्होंने नहीं किया, उनके DCP ने नहीं किया, उनके एडिशनल कमिश्नर ने नहीं किया, उनके कमिश्नर ने नहीं किया, कोर्ट ने किया। ये एक इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। और
इसमें ऐसा भी नहीं है कि सारे पुलिस वाले ख़राब हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। और हमें उस पर भी गौर करना है कि डिटेक्शन जो रेट है जो क्राइम के ऊपर, वो कम क्यों है, क्योंकि हमें उनकी मानसिकता को भी हमें देखना है। जैसे कि आप देखेंगे कि उनके जो क्वार्टर्स जो उनको दिए जाते हैं, वो इतने क्रैम्प होते हैं कि एक छोटे से क्वार्टर में उनकी पूरी फैमिली रहती है। दूसरी चीज, पुलिस की अपनी परेशानी है। दूसरी चीज़, आप VIP बंदोबस्त देखें तो एक शिफ्ट के बजाय वो दो दो शिफ्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो जिम्मेवार हैं ये क्राइम रेट को बढ़ने के लिए। जाहिर सी बात है, हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है कि पुलिस की वजह से क्राइम है या कि पुलिस क्राइम को कैसे हैंडल करती है। हमारा टॉपिक है क्राइम इन आर सोसाइटी। तो हमारे समाज में क्राइम को बढ़ावा देने और क्राइम को रोकने वाली अलग अलग एजेंसियाँ हैं, पुलिस उनमें से एक है। सामाजिक तौर पर जैसे हमारे साथ अफजल साहब हैं, RTI एक्टिविस्ट है, तो NGOs हैं बहुत सारे समाज में जो चल रहे हैं। मैं वापस हरागुड़े जी आपके पास आता हूँ और जानने की कोशिश ये करता हूँ आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से मेटलिस्टिक हो गया हो, या हमारे जो क्रिमिनल्स हैं, हमारे जो क्राइम करने वाले एलिमेंट्स हैं, लोग हैं, उनके और पुलिस के बीच में इतनी दूरी बढ़ गई हो और उनके बीच में जो मॉरेलिटीज़ है जो कहीं ना कहीं धर्म से पैदा होती है, धर्म से या मज़हब से आती है, वो उनके अंदर लैक कर रही है। देखिए, एक क्राइम का जो अब जो मसला सामने, आपने एग्जाम्पल के तौर पर आप जो बोल रहे हैं कि ये वजह क्या है, इन शॉर्ट इसका वजह क्या है, छोटा सा कमेंट चाहूँगा। हाँ, इसका वजह एक ही है, ये पुलिस और पब्लिक में या गुनहगार में कोई दूरी पैदा नहीं हुई है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है पब्लिक के सामने आने की, क्राइम को कम करने की, क्राइम सोसाइटी से निकालने की कोशिश कर रही है, और वो कोशिश में कुछ ना कुछ कमियाँ महसूस हो रही है। एक तो समाज की तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसके लिए अलग अलग पहलू भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं बहुत, उसमें पॉलिटिकल होंगे, सोशल होंगे, इकोनॉमिक होंगे, ये अलग अलग फैक्टर्स में है। लेकिन पुलिस की कोशिश रहती है कि क्राइम कम करने का, पुलिस क्राइम को कम करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। आइए हम जैद खालिद साहब से जानना चाहेंगे। जैद साहब, ये बताइए कि क्या हमारा आवाम, इससे पहले कि हम क्राइम के इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट पर जाएँ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमारा आवाम पूरी तरह एजुकेटेड नहीं है एज फार एज क्राइम इज कंसर्न? क्या उन्हें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ क्राइम के दायरे में आ जाती है और कौन सी चीज़ उन्हें गुनाहगार बना देती है, या किन किन चीज़ों को वो अपने अंदर पैदा कर लें, अपने अंदर ले आएँ, या समाज का हिस्सा बना लें, या समाजी ढांचे में ढाल लें, तो वो उनके अंदर से क्राइम की गुंजाइश कम हो जाएगी? इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, क्या हम लोगों को एजुकेट करके क्राइम के हवाले से क्राइम को कम कर सकते हैं? देखिए, इस ताल्लुक से ये बात तो श्योर है कि एजुकेशन बेनिफिट करती है, ख़ास तौर से वो एजुकेशन जो दुनिया और आखिरत दोनों से ताल्लुक़ रखे। सुनन इब्न माजा की हदीस है जिसमें आता है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफिया, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ नफ़ा देने वाला इल्म, बेनिफिशियल नॉलेज। अब देखिए, हम सब आज के डिस्कशन में ये देख रहे हैं कि एक तरफ एक आइडियलिस्टिक व्यू है और एक तरफ एक थोड़ा सा डिप्रेसिंग किस्म का व्यू है, लेकिन एक आम आदमी दरमियान में है कि एक आइडियल टाइप का सिचुएशन सिस्टम हमारे पास है या बहुत ही सैड टाइप की सिचुएशन है। अब यहाँ पे अगर कोई शख्स रूल्स को जाने और लॉज को जाने, तो लॉज को जानकर कैसे अपने हुकूक और राइट्स को इस सिचुएशन में भी बेस्ट हासिल कर सकता है, बेस्ट सेफगार्ड कर सकता है। हम देखते हैं कि इंडिया का जो एंटायर सिस्टम है, इसमें एक चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, आज भी बहुत बड़े हद तक है, वो है ट्रांसपेरेंसी। और वो ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम ड्यू टू राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक सॉल्व होता दिख रहा है, जो जनरल लॉज है उससे बिल्कुल हटकर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का लॉ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि क्या एजुकेशन आने से पूरा सिनेरियो बदल जाएगा? क्या ऐसा सचमुच है कि अगर हमारी सोसाइटी पूरी तरह से एजुकेटेड हो गई तो क्राइम रेट्स चेंज हो जाएंगे या नहीं होंगे? ये एक सवाल है। और ये सवाल के ताल्लुक से मैं एक व्यू रखना चाहता हूँ, मैं बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि अमेरिका जो एक मिसाल है एक एजुकेटेड कंट्री की, लेकिन अगर आप गूगल में जाकर क्राइम रेट इन अमेरिका सिर्फ टाइप करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल मोर देन 1 करोड़ क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं, 1 करोड़ क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं खाली अमेरिका में। और जितने लोग इंडिया के प्रिजन्स में हैं, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, इससे 6 गुना ज़्यादा, 6 टाइम्स ज़्यादा लोग अमेरिका के प्रिजन में हैं। अब पता ही चला कि इतनी एजुकेशन के बाद भी क्राइम रेट रियली तो डिक्लाइन नहीं हुआ, तो क्या ये बात, ये हम जो अजम्पशन लेकर आगे चलते हैं और पूरी सोसाइटी को इसी तरह गियर अप करते हैं,
कि एजुकेशन आने से पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, क्या ये हकीकत है रियली? या हमें कुछ चीज़ें मैक्रो लेवल पे क्वेश्चन करनी होगी? जैसे एक होता है कि सिचुएशन जो ग्रास रूट पर है, जिस ताल्लुक से बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स मैंने भी सुने और मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम के व्यूअर्स को भी मिले होंगे, लेकिन एक उठकर अगर देखते हैं कि आखिर में ये सिनेरियो बदल कैसे सकता है, तो ये एक सवाल है जो हम सबको गौर करना चाहिए। नाज़रीन, ज़ैद खालिद भाई ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ही सिर्फ क्राइम नाम की इस बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि तमाम दुनिया, ख़ास तौर पर उन्होंने अभी अमेरिका के आंकड़े दिए कि 1 करोड़ से ज़्यादा लिस्टेड क्राइम है। मैं अफजल भाई आपकी तरफ आना चाहता हूँ और जानना ये चाहता हूँ, ये सारी दुनिया क्राइम नाम की इस बीमारी से जूझ रही है और अभी अमेरिका की बात हुई, तो अमेरिका तो आबादी भी हमसे बहुत कम है और कहा यह जाता है, जैसे अभी ज़ैद भाई ने भी कहा कि एजुकेशन लिटरेसी रेट तकरीबन वहाँ 100% है, और इन पढ़े लिखे लोगों के दरमियान ये क्राइम नाम की बीमारी कैसे जगह बना रही है, और ये 1 करोड़ से ज़्यादा लिस्टेड हैं, तो जो लिस्टेड केसेस नहीं हैं वो कितने होंगे? देखिए, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी आपकी चादर हो, आज मुश्किल ये हो गई है कि पिछले मैं 25 साल से देख रहा हूँ कि लोगों के और बच्चों के ख्वाहिशात जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब लग्जरी ज़रूरत बनने बिल्कुल है। और इसमें कुछ हद तक आप देखेंगे सीरियल्स जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करिए कि भाई आप देखेंगे कि सामने वाले के पास मर्सिडीज़ है तो मेरे पास भी मर्सिडीज़ होनी चाहिए, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं तो मुझे भी अच्छे। अब वो ये नहीं देखते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने उनको हर एक स्टेटस बनाया है कि गरीब तबका है, मीडियम वर्ग के लोग हैं या हाई प्रोफाइल लोग हैं, मगर वो सब चाहते हैं कि भाई हमारे पास भी मर्सिडीज़ हो। जहाँ तक US की बात है, वहाँ पर ये जो प्लास्टिक मनी का जो ट्रेंड है, ये प्लास्टिक मनी इंटरेस्ट से कनेक्ट होता है और ये चीज़ ने उनको बर्बाद कर दिया है, क्योंकि क्या हो जाता है कि उनको इमीडिएट कैश देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो हर चीज़ आप घर ले लो, गाड़ी ले लो, कपड़े ले लो, हर चीज़ वो आप प्लास्टिक मनी से ख़रीदते हो, उनको मालूम है कि भाई जब आएगा तब देखेंगे। तो ये एक जो उनकी साइकोलॉजी है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और जब बढ़ता है तो क्राइम बढ़ता है, तो अब उसको रास्ता नहीं बचता। हाँ, क्राइम के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। अच्छा, यहाँ ज़ैद खालिद भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अचानक दिमाग में एक सवाल आया मेरे, और वो ये है कि अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, नतीजे ये निकलते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक वो जहाँ पर लॉ ऑफ शरिया यानी इस्लामिक लॉ नाफिज है, लाइक सऊदी अरेबिया, लाइक मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज, UAE, ओमान, ऐसी जगह, और बाकी दुनिया के दूसरे ममालिक जहाँ पर इस तरह के लॉ नहीं है, उन सब में क्राइम रेट में बड़ा फ़र्क है। अभी हमने सुना अमेरिका में 1 करोड़ से ज़्यादा लिस्टेड हैं, जबकि सऊदी अरबिया में हम जाएंगे तो ऑलमोस्ट 0 है। ये मिडल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज़ में मैं देखता हूँ, वेबसाइट्स पे उनकी जाके देखता हूँ, UAE है, वहाँ पे क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 है, ओमान है, यहाँ ऑलमोस्ट 0 है, ऐसा क्यों है? जी, ऑलमोस्ट 0 तो नहीं, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंटली लेस है। हाँ, लेस है। देखिए, एक चीज़ अगर हम गौर करें सोशली, एक क्रिमिनल है जो क्राइम कर रहा है, अब उसे पता है पहले तो लीगल सिस्टम में डिलेज कितने हैं, सेकेंडली उसे पता है कि लास्ट में सज़ा मिलेगी तो क्या सज़ा मिलेगी, तो एक डेट्रीमेंटल फैक्टर जिसकी वजह से देख कर आदमी रुके वो बहुत कम है। सज़ा की सीवियरिटी कम। सीवियरिटी मिसाल के तौर पर इस्लामिक शरिया में कुरान की आयत है सूरह 5:38, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तु अयदीहुमा, चोर चाहे मर्द हो या औरत हो उसके हाथ को काट दो। ऑफकोर्स साबित होने के बाद, प्रूफ मिलने के बाद, लेकिन जब साबित हो गया उसके बाद चोर के हैंड को कट किया जाएगा। अब इसमें मकसद ये नहीं है कि वो चोर का हाथ कट करने में बहुत खुशी होगी, लेकिन ये है कि वो इंसान ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी अपने उस अपराध और गुनाह और क्राइम से रुक जाएगा। यानी इस्लामिक शरिया में ये बात नहीं है कि हर क्रिमिनल को सज़ा दी जाए, लेकिन जो साबित हो गया उसको एक ऐसी सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी, मिसाल के तौर पे रेप की सज़ा, मिसाल के तौर पे मर्डर की सज़ा, जो क़िसास का लॉ है, इक्वालिटी, इक्वल फॉर इक्वल। तो ये सारा क़िसास के लॉ के तहत रूल ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अल्लाह ताला ने क़िसास के अंदर ज़िंदगी रखी। अब ज़िंदगी का मतलब कैसे? यहाँ मामला ऐसा है कि जैसे मिसाल के तौर पर किसी एक शख्स ने दूसरे की आँख को फोड़ा है, तो एक राइट है सामने वाले के पास कि वो एज रेट्रीब्यूशन इक्वल ले सकता है, अनलेस वो माफ़ करे या अनलेस वो उसका फाइनेंशियल पेमेंट एक्सेप्ट कर ले। 3 ऑप्शंस है, और इंसानों में भी देखेंगे तो 3 अलग टाइप की साइकोलॉजी होगी। कोई एक वो शख्स है जिसको फुल बदला चाहिए, कोई एक वो शख्स है जिसको मॉनेटरी कुछ कॉम्पेंसेशन चाहिए,
कोई वो शख्स है जो माफ करना चाहता है, तो तीनों की पॉसिबिलिटीज रखी है। रोल ऑफ स्टेट क्या होगा? रोल ऑफ द स्टेट ये है कि वो उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रूव करेगा, साबित होने के बाद ही दोनों तरफ के लोगों को एक मौका दिया जाएगा अपनी सफाई पेश करने। उसके दोनों तरफ की हियरिंग के बाद जब कंक्लूजन आया तो ये तीन ऑप्शन सामने वाले को दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मर्डर के अंदर जो पर्सन तो मर चुका है तो उसकी फैमिली को ही ऑप्शन दिया जाएगा कसास के अंदर। और अल्लाह ने कहा इसमें जिंदगी है, मतलब देखा तो जाए तो हो सकता है किसी की जान जा रही हो, लेकिन जिंदगी कैसे है कि बाकी का पूरा के पूरा माशरा उस चीज के ताल्लुक से डरता है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा जो मैंने पहले भी हिंट की थी, वो ये है ये एक स्टैंड अलोन लॉ नहीं है, इसके पीछे एक सोशल सिस्टम है। मिसाल के तौर पर सिर्फ यही नहीं कहा गया कि चोर के हाथ को कट करो, ज़कात का सिस्टम भी है कि ताकि कोई अगर गरीबी से मर रहा है तो हर मालदार को अपने माल का 2.5% ज़कात के तौर पर हर साल देना पड़ेगा, एवरी ईयर देना पड़ेगा। और जब देगा तो कोई भूख से तो नहीं मरेगा। जो एक्चुअल पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, जिसके अंदर कोई भूख से मर रहा हो वो टेकन केयर ऑफ हो गई, लेकिन कोई जिसकी ख्वाहिशात उससे ज्यादा है, मटीरियलिस्टिक सोसाइटी जैसे कि उन्होंने बताया, और जैसे हम देखते हैं कि लोगों में आज ये बढ़ता हुआ एक चाहत है कि आदमी के पास इतना है उसे और बढ़ना है और शॉर्टकट वे से आगे बढ़ना है, तो ये तरीके को कैसे रोका जाए, तो इसके अंदर कुछ डिट्रीमेंटल इफेक्ट होना बहुत जरूरी है। बिसाइड्स हमारी सोसाइटी के अंदर जो करप्शन है, और ये करप्शन एक बहुत बड़ी वजह है, और ये करप्शन जो आता है ना ये टॉप से आता है, जो कंट्री का जो टॉप से जो सिस्टम आता है, कंट्री के जो रूलर्स का जो मानना है, वो चीज़ का असर पूरी की पूरी अवाम पर आता है। हम देखते हैं कि हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना ला नुवल्ली हादा मन सालहु वला मन हरस अलैह, कि हम हुक्मरान उसे नहीं बनाते जो उससे मांगता है और जो उसकी हिर्स करता है। यानी जो आकर कहे कि मुझे रूलर बनना है, मुझे पावर चाहिए, उसको तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जो उसकी हिर्स करता है उसको बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है कि वोट फॉर मी, लेकिन वोट फॉर मी वहाँ ख़त्म नहीं होता है। आपके साथ एक डील किया जाएगा कि आपने हमारी पार्टी को एक पर्टिकुलर डोनेशन दिया, और वो डोनेशन पाने की वजह से एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिंग के साथ आपको एक पर्टिकुलर बेनिफिट मिलेगा इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ये एक तरह का जो करप्शन जो बिल्कुल डीप रूटेड है, जो टॉप से स्टार्ट होता है तो वो नीचे तक पहुंचता है, वो हर एक लास्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर तक पहुंचता है, जो टॉप लीडरशिप से स्टार्ट होता है। तो ये एक पूरा सिस्टम करप्ट होने की वजह से हम देखते हैं कि ये एक जस्टिस का सिस्टम जो है इसको सुपरवाइज करने का भी एक सिस्टम नहीं है। मतलब आप देखेंगे जो कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग है उसे सुपरवाइज कौन कर रहा है, हु इज मेकिंग श्योर कि केसेस खत्म होने चाहिए। ये एक ऐसी बात है जो हम सब गौर करेंगे तो एक हमारी ही कंट्री और हमारी ही सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कई चीज़ें हैं जो हम कहीं से भी बोरो कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है, सच्चाई जहाँ कहीं हो जो अच्छी बात है वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये करप्शन का सिस्टम, ये जो पूरा लीगल सिस्टम है, ये खुद एक जिम्मेदार है कि क्रिमिनल्स पैदा हो जाते हैं कई बार। नाज़रीन, सज़ा और जज़ा और सज़ा की सीवियरिटी के हवाले से हमारे जैद खालिद पटेल साहब ने अभी आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और ख़ास तौर पर कसास की बात की, कसास को डिफ़ाइन किया और ये बताया कि जिसके साथ जुल्म हुआ उसको ये हक दिया जाता है कि वो जिसने जुल्म किया उसके साथ अपनी मर्जी का बर्ताव कर सके, जिसमें स्टेट और स्टेट का कानून उसकी मदद करता है। आइए हम ये कसास के मामले को लेकर हरा गुड़े साहब के पास चलते हैं। हरा गुड़े जी, आपको क्या लगता है कि ये कसास जो अभी अभी जैद खालिद साहब ने डिफाइन किया कि क्या है, कैसा है, और हमारे हिंदुस्तानी निज़ाम में इसकी कोई अहमियत हो सकती है क्या? देखिए, ये अपन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अभी फिलहाल जो सिस्टम अपनाई है उसके तौर पे कानून बनी है। अभी पटेल साहब ने पनिशमेंट के तरीके जो बताए वो एक हद तक वो जमाने में वो सिचुएशन में लागू थे। एक सिस्टम 16वीं सदी तक 17वीं सदी तक यूरोप में भी यही लागू था, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं थी कि टिट फॉर टैट, जिसको बोलते हैं कि अगर वो तुमने मेरा हाथ काटा है तो मैं भी तुम्हारा हाथ काटूं, अगर तुमने मेरी जबान काटी तो तुम्हारी जबान मैं काटूं, ये तरीके थे वो टाइम के। यानी जैसा जो बर्ताव गुनहगार ने किसी के साथ किया उसके तरीके से उसको पनिशमेंट देना था। लेकिन जैसा टाइम बदली होते गया तो कानून के जो सिस्टम है, जो जुडिस यानी जो न्यायालयीन प्रक्रिया है, वो काफ़ी उसमें सुधार आ गया। काफ़ी लोगों में बहस हो गई कि कई एक आदमी की ज़िंदगी आती है तो वो आदमी की ज़िंदगी सुधार सकती है क्या नहीं सकती है, उसके ऊपर काफ़ी बहस चली। और एक वाकई आदमी जो पैदा हुआ है जिसके हाथ से क्राइम हो गया है वो वाकई वो गुनहगार ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा सबका बात आ गई सामने। तो इसमें सुधारने की जो रिफॉर्मेटरी सिस्टम है, जो पटेल साहब ने भी बताया कि वो एक तरीका है, सुधारने का भी मौका देना है वो एक तरीका है उसमें, लेकिन जो सिवियरिटी है पनिशमेंट की, वो सिवियरिटी जैसा टाइम पास होते गया वो उससे काफ़ी बदलाव आ गया। अभी हम लोगों ने वो सिस्टम अपनाई नहीं है,
अभी किसी ने चोरी किया तो उसके हाथ काटे नहीं जाते इंडिया के अंदर, या मर्डर हुआ तो तुरंत उसको फांसी नहीं दिया जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि इसके अंदर मर्डर क्यों हो गया उसकी क्वालिटी देखी जाती है। बहुत रेयर केस में कि जो सुधारने के ही सिस्टम नहीं है अपने पास तो ही उसको अपन फांसी देते, बाकी लोगों को अब उसके जो करतूते है उसका जो क्राइम है उसके नेचर के हिसाब से उसको लाइफ इम्प्रिजन में जो अजन्म कारावास वगैरह वैसा सजा देते हैं। तो सिस्टम अभी बदली हो चुकी है उससे कुछ। हाँ, अभी वो डिट्रीमेंटल जो कड़क शासन है जो टिट फॉर टैट जो बोलते हैं उससे क्राइम कम होता है कि नहीं होता, वो डिस्कशन का और वो चर्चे का यानी मत परिवर्तन का बात है, हर एक का मत अलग अलग होगा। लेकिन जैसा स्टडी चलती आ रहा आगे के टाइम पे, अभी सांप्रत काल में जो भी चल रहा है कि मर्डर किया तो उसको फांसी दिया तो मर्डर बंद नहीं हुए, निर्भया कांड दिल्ली में हो गया फांसी की सजा उसमें तरतूद किया है लेकिन रेप बंद नहीं हुए, यानी खाली पनिशमेंट बढ़ा दिया इससे आदमी में सुधार नहीं आया है, उसके लिए अलग तरतूदे करनी मांगती है, उसमें रिफॉर्मेशन लाना जरूरत है। तो उसमें रिफॉर्मेशन के लिए कानून के तौर पे कई फिक्स रास्ते हैं, रिलीजन का रास्ता वो नहीं अपनाएंगे क्योंकि अपनी जो सिस्टम है इंडिया की वो सिस्टम निधर्मी है, अपने देश का कोई धर्म नहीं है वो निधर्मी है, कोई एक धर्म को ये नहीं कि नेशनल रिलीजन है ऐसा नहीं बता सकते किसी रिलीजन को। इसमें बात मेरी है कि जो स्टार्टिंग का फर्स्ट कमेंट था आपका, जब से इंसान है इस जमीन पर तब से क्राइम भी हम देखते हैं, तो क्राइम के फॉर्म्स चेंज होते आए हैं लेकिन क्राइम की जो साइकोलॉजी है और क्रिमिनल की जो साइकोलॉजी है, जो रीजंस है कि आदमी क्यों क्राइम करता है, वो रीजंस तब से अब तक सिमिलर रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट कमेंट था, मैं आपके इस कमेंट को उस कमेंट से कनेक्ट करना चाहूँगा। तो मेरा ये सवाल है आपके सामने कि जैसे चाहे 16वीं सदी हो या 17वीं सदी हो या उससे पहले का ज़माना हो या आज का करेंट ज़माना हो, जो क्रिमिनल की साइकोलॉजी और रीजंस उसके जो होते हैं वो कई बार इंसानी हिस्ट्री को देखा जाए तो भी सेम रहे। तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने ये सिखाया है, इस्लाम जो रास्ता सिखाता है वो सारे इंसानों के लिए, सारी कंट्रीज़ के लिए, भलाई पाने के लिए, हर किसी के लिए, वो यही सिखाता है कि इंसानों को एक इस तरह की सज़ा दी जाए जो क्रिमिनल करते हैं ताकि उन्हें देखकर बाकी सारे लोग वो क्राइम करने से बच जाएं। अब होता ये है कि बहुत सारे लोग फील करते हैं वो मर्डरर के लिए कि मर्डरर ने जो मर्डर किया है फिर भी इंसान है, अब इसे हम अगर मौत की सज़ा देंगे या किसी चोर का अगर हाथ काटा जाएगा तो उसके साथ बुरा नहीं हो रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस सिचुएशन में इस्लाम ने ये सिखाया कि किसी को अगर दुनिया में उसकी करतूत की सज़ा मिलती है तो मरने के बाद की ज़िंदगी में उसे नहीं मिलेगी उस क्राइम की सज़ा, क्योंकि उसे दुनिया में मिल चुकी है। लेकिन रिजल्ट सोसाइटी में ये होता है कि कितने सारे और जो मर्डर्स हो रहे हैं, भाई अमेरिका जैसी कंट्री में इससे ज़्यादा कल्चर क्या सिखा देंगे हम, वहाँ पर जब 1 करोड़ केसेस हो रहे हैं वहाँ इतने सारे मर्डर्स, इतने सारे रेप के हज़ारों की तादाद में डेली रेप्स हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में डेली के मर्डर्स और क्राइम्स है, ऑर्गेनाइज क्राइम है और बहुत सारे दूसरे टाइप के क्राइम्स हैं। तो हम कहते हैं कि वो सारे इंसान जो मर रहे हैं, जिनका मर्डर हो रहा है, जिनकी प्रॉपर्टी लोग गलत तौर पे ले रहे हैं, जो लाइफ एंड सिक्योरिटी, जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी की सेफ्टी की बात है, वो सब उन सारे लोग जो मजलूम है, जो विक्टिम्स है क्राइम के, उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। तो यहाँ पे बात यह है कि हम उस क्रिमिनल के साथ अच्छा चाहते हैं इसीलिए हम उसको रोकना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर टीचर अगर स्टूडेंट को कहता है कि तुम अगर ये गलत चीज़ करोगे, या माँ बाप अगर बच्चे को कहें कि तुम आग से खेलोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, उसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ बाप उस बच्चे के बुरा चाहने वाले हैं। और फाइनली जो प्रिजन का सिस्टम हमारे यहाँ जो है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिसाल के तौर पर अगर कोई कर रहा है, कोई गुजर रहा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, तो हम ये देखते हैं कि उस सिचुएशन के अंदर भी जब वो एक सोसाइटी से अलग कट कर रहता है, कई बार ऐसा होता है आदमी छोटे से क्राइम के लिए अंदर जाता है और जेल से बड़ा क्रिमिनल बन के आता है, अंदर ट्रेनिंग लेकर आता है, बिल्कुल हार्डन क्रिमिनल बन के आता है। उसके अलावा आप ज़रा सोचिए कि उसे अपनी बीवी और बच्चों से अलग हटकर एक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, उससे तो अच्छा ये है कि एक बार जो चीज़ से गुजरना है गुजर गया, बाकी सोसाइटी में रहकर काम कर रहा है वो। हाँ, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा ह्यूमेन है, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर मुझे ये जहाँ तक कसास की बात है, ये बड़ा डेमोक्रेटिक और अपडेटेड नज़र आता है। आपके कहने से मुझे अंदाज़ा हुआ और अभी मैंने सोचना शुरू किया, इसलिए कि एक क्रिमिनल ने एक क्राइम कमिट किया, कमिट करने के बाद स्टेट उसे सज़ा देती है, जिनके साथ क्राइम हुआ या जिन लोगों पे क्राइम का असर पड़ा वो पूरे आउट ऑफ द सिनेरियो चले जाते हैं, अब स्टेट वर्सेस क्रिमिनल रह जाता है, स्टेट ने उसको सज़ा देनी है और उसको सज़ा मिलनी है। कसास के केस में क्या है
कि कसास के केस में पूरे इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं जिनके साथ क्राइम हुआ है वो इन्वॉल्व है और वो बेनिफिशियरी भी हैं और उनके पास ये हक भी है कि वो ये डिसीजन ले रहे हैं, स्टेट सिर्फ एग्जीक्यूट कर रही है, वो ये डिसीजन ले रहे हैं कि इस आदमी को सजा मिले। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिसाल दे के बोलूँ तो अगर एक इंसान को दूसरे इंसान ने मार दिया तो जो मारा गया उसके पीछे उसके बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसका पूरा भरा पूरा खानदान है जिसका वो अकेला कमाने वाला था। अगर उसकी बीवी अपने बच्चों को अपने घर को पालने के लिए ये डिसीजन लेती है और सामने खड़ा बंदा जिसने क्राइम किया है वो माफ़ी मांग रहा है और वो डिसीजन लेती है चलो इसको माफ़ कर देते हैं और बदले में इसे इतना पैसा ले लेते हैं कि कम से कम मेरे बच्चों की कफालत हो जाए, कम से कम मेरा खानदान इज्जत की ज़िंदगी जी सके, तो इसमें कहाँ कोई हार्म है और कहाँ ये 16वीं या 17वीं सदी की बात लगती है? ये तो बड़ी आज की बात लगती है और बड़ी डेमोक्रेटिक बात लगती है कि वो पूरी तरह से आज़ाद है अपने फैसले लेने के लिए और उसके फैसलों में हिस्सेदारी है, उसकी स्टेट के फैसलों में उसकी हिस्सेदारी है और स्टेट उसको रेस्पेक्ट दे रही है। बहुत अच्छी बात जैद खालिद साहब ने कही कि हम क्रिमिनल के बारे में सोचते हैं, हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जिनके साथ क्राइम कमिट हुआ है। मोहम्मद अफजल साहब, हमारे एनजीओज और हमारे ये एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, इस नजरिए से कभी सोचते हैं? धर्म को एक तरफ रख देते हैं, हम बात मजहब की नहीं कर रहे, हम यहाँ ये नहीं कह रहे किसकी पूजा करो या किसकी पूजा मत करो या किसको रोजे रखो, नमाज पढ़ो या मंदिर जाओ मस्जिद जाओ वगैरह वगैरह। हम यहाँ कह रहे हैं कि कोई एक प्रैक्टिस अगर हमको अच्छी मिलती है हमारे समाज को सुधारने के लिए और उसमें से क्राइम निकालने के लिए, तो क्या हम उसको ऑफिशियली या अनऑफिशियली हम अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। और दूसरी चीज़, जितने भी एक्टिविस्ट हैं पूरे बॉम्बे में बोलिए या पूरे हिंदुस्तान में बोलिए, वो इम्प्लीमेंटेशन को लेके एकदम आगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्राइम होता है तो वो उसका विरोध करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि एक डिटरेंट फैक्टर बने, और जब तक डिटरेंट फैक्टर नहीं बनेगा तब तक क्राइम्स कम नहीं होंगे। जैसे कि साहब ने बताया कि सऊदी, देखिए दुनिया भर में कम्युनिस्ट कंट्री भी है, डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और डिक्टेटरशिप भी है, मनार्की भी है और इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं। तो हर कंट्री है अपने हिसाब से रूल्स फ्रेम करती हैं, अपने हिसाब से लॉ बनाती हैं, मगर ये सब चीज़ों को मिला के अगर हम देखें तो एक ही चीज़ उभर के आती है, या तो पॉलिटिकल विल होना चाहिए जो लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का, और डिटरेंट फैक्टर होना चाहिए। मैं आपके कमेंट के ताल्लुक से एक बात कहूँगा कि जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स जब नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ने जब लोग खड़े होते हैं और बाजू में कोई एक इंसान जो हो सकता है कि बहुत गरीब है उससे, वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है तो एक दूरी ख़त्म होती है, एक गुर्बत पैदा होती है। उसी तरह जब एक अमीर सा आदमी है लेकिन वो रोज़ा रख रहा है और भूख का एहसास उसे हो रहा है तो उसमें एक एहसास पैदा होता है कि क्या चीज़ से गुजरते हैं कितने सारे गरीब लोग, एक उसके दिल में एहसास आता है जो क्राइम को ख़त्म करने वाली फीलिंग है एक्चुअली। उसी तरह जब वो अपने माल से जब पैसा खर्च करता है तो माल की मोहब्बत से प्यूरिफाई होता है वो, और जो रिसीव कर रहा है तो वो रिसीव करने वाला उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। और उसी तरह जब वो हज के लिए जाता है और हज के लिए जाकर जब वहाँ पे वो सारे अपने लिबास छोड़कर सिर्फ दो कपड़े पहनने और सब लोगों को सेम यूनिफॉर्म पहनना है तो एक ऊंच नीच उसमें भी ख़त्म होती है। तो ये सारी चीज़ें भी क्राइम को ख़त्म करने में एक जरिया है। मैं एग्री करता हूं, यही एक मकसद है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ये बात कही और मैंने इसको अपनी आंखों से विटनेस किया। मैं आप सबसे शेयर करता हूँ, नाज़रीन से शेयर करता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं दुबई में था और अपने दफ्तर से निकला था घर जाने के लिए, दोपहर का वक्त था, रमज़ान का महीना था, 2-3 बजे। रास्ते में हाईवे पे तेज़ी से दौड़ती गाड़ियाँ, 120-140 की स्पीड में दौड़ती गाड़ियाँ, और मुझे अचानक नज़र आया एक अजीब मंजर। सड़क के किनारे बस रुकी हुई है और नीचे तिरपाल बिछा रखा है लोगों ने, और मजदूर टाइप के लोग अपनी अपनी साइड से आ रहे होंगे मजदूरी करके, जिनके कपड़े पसीने और मिट्टी में इस कदर सन चुके थे कि वो चमड़े की तरह या जीन्स की तरह नज़र आने लगे थे। वो वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं। मुझे लगा मैं भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी रोकी, नमाज़ के लिए मैं वहाँ रुक गया। ये भी कोई अजीब बात नहीं थी। अजीब बात यह हुई कि एक गाड़ी आके रुकी लैम्बोर्गिनी, और उसमें से खुशबुओं में बसा हुआ एक अरबी, कोई रॉयल फैमिली का अरबी, वो आया और उस मजदूर के पीछे अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली और उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सबसे मुसाफा के हाथ मिला, उस गाड़ी में बैठा चला गया। तो मैंने विटनेस किया आपकी इस बात को एंड मैं इसकी वकालत करता हूँ। बहरहाल नाज़रीन, टॉपिक बहुत लंबा है और बहुत खूबसूरत बहस चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास आज गेस्ट हैं, लेकिन हमेशा की तरह घड़ी की सुइयाँ अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं और मुझे इशारा मिल रहा है कि अब एपिसोड खात्मे की तरफ जाना चाहिए। तो मैं अपने तमाम मेहमानों से 30-30 सेकेंड में एक रिएक्शन चाहूँगा। भाई आप हमारे ऑडियंस को, हमारे नाज़रीन को
क्या मैसेज देंगे कि क्राइम को किस तरह रोका जा सकता है? बीइंग एन एक्टिविस्ट जो 35 सालों से काम कर रहा है, आप हमारे समाज को और समाज के लोगों को आपका एक मैसेज कि क्राइम को रोकने के लिए वो अपने तौर पे एज एन इंडिविजुअल या एज ए समाज या एज ए मोहल्ला क्या कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में किनात का होना बहुत ज़रूरी है, कंटेनमेंट और जब तक ये नहीं होगा क्राइम बढ़ते रहेंगे। क्या बात, किनात कंटेनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हरा गोड़े साहब, आपके पास एक लंबा पुलिस का एक्सपीरियंस है और क्राइम ब्रांच का एक्सपीरियंस है, आपने लोगों को, क्रिमिनल्स को, क्राइम कमिट करने वालों को और सुधरने वालों को बहुत करीब से देखा है, आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे कि जिससे क्राइम रुक सके? देखो, लोगों से मेरी गुजारिश यही रहेगी कि देखो, क्राइम कम करना ये सबका फर्ज है। पहला तो आपके अंदर के डर को निकाल दो, भले सामने गुनहगार हो या कोई हो, आपको डर निकाल दो। एक अपना फर्ज बनता है कि अपन क्राइम करने में मेरा भी हिस्सा है, ये काम पुलिस का है तो उसके साथ साथ मेरा भी है। अगर वो यूनिफॉर्म में पुलिस है तो मैं भी सिविल ड्रेस में पुलिस ही है, क्योंकि अपने संविधान के हिसाब से सबका कर्तव्य बनता है कि देश के लिए काम करना है। अगर कुछ कमी है तो कमी अपने को दूर करना है। और रही बात क्राइम करने में एक्टिव पार्ट लेने की, अगर आपके साथ कुछ ज़्यादा क्राइम हुआ होगा तो आप बेधड़क पुलिस चौकी में जाइए, अपना कंप्लेंट दर्ज कीजिए। अगर वो ड्यूटी ऑफिसर नहीं सुनता है तो आप उसके वरिष्ठ अधिकारी के पास जाए। आपके साथ में एनजीओ भी है, इत्तेफाक से यहाँ अफजल भाई है, वो उसके लिए भी काम करते हैं, आरटीआई में काम करते हैं, ह्यूमन राइट में भी काम करते हैं। बहुत सुविधा, यानी बहुत अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है आज देश में, उसका इस्तेमाल करने को सीखो, आपको जरूर न्याय मिलेगा। और मुझे यकीन है अगर हर इंसान अगर कुछ काम करे, क्राइम कम होना ही है, उसमें कोई शक नहीं। हर इंसान अगर सच्चे दिल से और लगन से काम करे तो क्राइम कम होना ही है। जैद खालिद पटेल साहब, आपका मैसेज, विंग इस्लामिक स्पीकर, आप आमतौर से पूरे मुल्क से और ख़ास तौर पे मुसलमानों से और तमाम दुनिया के मुसलमानों से इस्लामिक हवाले से, इस्लामिक प्रोस्पेक्ट से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किन चीज़ों को अपनाएं और किन चीज़ों को छोड़ दें जिससे हमें क्राइम फ्री सोसाइटी मिल सके? देखिए, सारे इंसानों के लिए ये मैसेज है कि सबसे बड़ा क्राइम जो इस ज़मीन पर हो रहा है वो ये कि लोग रहते हैं ऊपर वाले की धरती पर, सब कुछ दिया हुआ है उसी का, और उसी के दिए हुए हाथ से, उसी की दी हुई फैसिलिटीज़ को, उसके ही कानूनों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आपके घर पर आए और कहे कि हथौड़ी है, यहाँ हथौड़ी है, ये लो, और वही आपकी दी हुई हथौड़ी लेकर आपके ही शीशे को तोड़ दे, तो आपको डबल बुरा लगेगा। एक बोले, एक तो मेरे शीशे को तोड़ दिया, दूसरी मेरी ही दी हुई हथौड़ी से तोड़ा। तो यहाँ बहुत बड़ा क्राइम ये है कि लोग ऊपर वाले की दी हुई आँख, हाथ, कान, ये सबको सब गलत क्राइम्स के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ा क्राइम तो ये है कि एक इंसान ये भूल जाता है कि कोई है जो उसे देख रहा है, जिसने उसे बनाया, उसकी पूरी पकड़ है, उससे बचकर कहीं जा नहीं सकते। वक्त दिया है उसने, मोहलत दी है, थोड़ा सा टाइम दिया है, लेकिन छोड़ नहीं दिया है। ये एग्जाम चल रहा है, एग्जाम का रिजल्ट तो आना ही आना है। और कुरान की आयत है सूरह 4 आयत नंबर 40, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिसकाला ज़र्रा, अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने वाली है। जिसने क्राइम किया उसे भी उसके किए का बदला मिलने वाला है, और जिसके ऊपर क्राइम किया गया उसके साथ इंसाफ होने वाला है। कयामत का दिन आने वाला है, जो दिन पेमेंट करने के लिए ना रुपये होंगे ना डॉलर होंगे, तब पेमेंट करना होगा। तो अपने कर्मों से, अपने अमल से करना पड़ेगा। अगर नेकियां हैं तो नेकियों का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी कमी होगी। और अगर नेकियां भी नहीं है तो सामने वाले के किए हुए गुनाह अपने ऊपर आ जाएंगे, और जो बहुत बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि क्राइम जो किया इंसान ने तो दुनिया में किया, और भुगतना पड़ेगा तो हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी, जो रिज़ल्ट है हमारा, वहाँ पे भुगतना पड़ेगा। हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम क्राइम के रास्ते पर चलना चाहते हैं, गलत काम करना चाहते हैं वक्ती तौर पर, या ऊपर वाले के एहसास को दिल में रखते हुए सही रास्ते पर जीना चाहते हैं। क्योंकि चाहे कोई कंट्री के लॉ हमें पकड़े या ना पकड़े, ऊपर वाले से बचकर हम कहीं नहीं जा सकते। चाहे किसी मुल्क का लॉ कानून हमें पकड़े या ना पकड़े, हम अपने खुदा, अपने अल्लाह और अपने मालिक से बचकर कहीं नहीं जा सकते। एक दिन हमारी पकड़ होगी और उस दिन हमें जवाब देना भारी होगा। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल खोज लिया है, हमने इंसानों के दुख दर्द का हल खोज लिया है, क्या मज़ा हो जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। आओ इस अफवाह को सच्चाई में बदलें। आइए एक ऐसे समाज का सपना देखें, एक ऐसी सोसाइटी का ख्वाब देखें जहाँ ना क्राइम हो, ना क्रिमिनल हो, जहाँ ना जराइम हो, ना जुर्म करने वाले हों, सब एक दूसरे का ख्याल रखें, सब एक दूसरे की मदद करें। अगर कहीं से कोई बाहर से क्राइम करने वाला, जुर्म करने वाला आए तो
تو پورا سماج مل کے اس کی مخالفت کرے اور سماج سے باہر نکال کر پھینک دے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.